Vipado naiva vipado, sampado naiva sampado, vipadaho visparanam Vishnu, sampado narayana sriti. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ne bataye je aap logo ka takdir, आप लोगों का तकदीर जल गया, आपका नसीब खराब है, इतना सुविधा मिलने का बाद भी सारे जो भजन में आए हैं सब क्या करने के लिए आए वो ही जाने। एक दफे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने कमरे में बैठे हुए, खिड़की का बाहर बहुत दूर पेड़ पौधा का ऊपर नज़र देके कुछ चिंता में डूब गए। और इतने में सेवक आ गए परमानंद प्रभु, आके प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद आप अभी तक प्रसाद नहीं पाए, प्रसाद पड़ा हुआ है कितना समय से प्रसाद पड़ा हुआ है आपको दिया, आप नज़र नहीं दिया, क्या चिंता कर रहे हो। सर प्रभुपाद बड़ा मुश्किल से उत्तर दिया, बोले देख रहा था आप लोगों का तकदीर जल गया, आपका जो भाग्य है वो जल गया, वही देख रहा था और कुछ नहीं। बड़ा दुख लेकर उत्तर दिए, अनंत ब्रह्मांड में ऐसा आचार्य जो मिलना मुश्किल है, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जैसा। अहो भाग्य की बात है कि हमारा खानदान में हमारा परम गुरुजी शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी, हमारा अगर भजन नहीं हो पाए इस जन्म में तो किसी जन्म में होना संभव नहीं, मुश्किल। शिला प्रभुपाद जी ने एक तो उदाहरण दिया सुंदर। एक देश की राजा श्री राजा का घोड़े साल में आग लग गया। घोड़े साल जानते हो, जहाँ घोड़ा रहता है, घोड़े रहता है ना, घोड़े साल में आग लग गया। कैसे आग लगा? वो लग गया। आग लगने का बाद बहुत सारे घोड़े जो है जख्म हो गया, आग के द्वारा जल गया शरीर। बड़ा कीमती घोड़ा है, सिंधु देश की घोड़ा, सबसे तगड़ा सारा पृथ्वी में सिंधु देश की घोड़ा, बड़ा कीमती। राजा ने बड़ा चिंता में गिर गया, बोले क्या किया जाए। वैद्य बुलाए, वैद्य को बोले तो घोड़ा तो बहुत जख्म हो गया, क्या किया जाए। बोले इसको एक काम करो, बंदरों का जो चर्बी है, बंदरों को पकड़ के उसका अंदर में चर्बी है, चर्बी को निकाल कर वो लगाओ, ठीक हो जाएगा। जब ही घोड़े साले में जब ही आग लग गया था, तुरंत वहाँ जो प्राचीन बंदर है, प्राचीन तो पुराना बंदर, नया नहीं पुराना, बहुत दिन अभिज्ञ एक्सपीरियंस है, पुराना बंदर ने, सबसे पुराना बंदर, वो सब बंदरों को झुंडों को बुलाया, बोले एक काम करो इधर से भागो। बोले काहे को भागे? बोले अभी घोड़े साल में आग लग गया और सब पकड़ के उसका चर्बी लेके मेडिसिन दवा लगाएगा घोड़ा को, सब भागो यहाँ से, यहाँ मत रहो, खतरा है। तो बूढ़ा बंदर ऐसा बोला, बाकी बंदर लोग ने उसको गाली दिया, हप तुम्हारा जाना है, जाओ, हम क्यों जाएगा, इतना सुंदर खाना मिलता है, इतना जगह सुंदर, कहाँ जाए हम लोग, जाओ तुम जाओ, इच्छा है। तो बंदर बहुत समझाया, बूढ़ा बंदर बहुत समझाया, मेरा बात मान लो, इसी में आपका भलाई है, मेरा बात को मान लो। लेकिन वो माना नहीं, कई बंदर माना नहीं, तो बूढ़ा बंदर रोते रोते अकेला ही चला गया दूसरा, ये शहर छोड़ के दूसरा शहर में। बाद में सचमुच सारे बंदरों को पकड़ कर
उसको काट कर उस पर चर्बी निकालकर पूरा घोड़े का शरीर में इस्तेमाल किया। जब बूढ़े बांदर को खबर चला जो अपना जो खानदान है ऐसा कष्ट हो रहा है उसको पकड़ पकड़ कर, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला, बूढ़ा बांदर का बात कोई नहीं माना, बूढ़ा बांदर का बात कोई नहीं माना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ऐसा बोला था, बूढ़ा बांदरेर कथा केउ सुन लो ना, प्रभुपाद बोला था, कोई मानता नहीं, कैसे भजन करें। आज सुबह में चर्चा का विषय था बड़ा गंभीर, उसमें कुंती देवी जैसा महियसी नाड़ी देवी, कुंती देवी का स्तव आदि चर्चा हो रहा था। उसमें बड़ा आश्चर्य, बड़ा भारी आश्चर्य विचार देखे, ये कुंती देवी ठाकुर जी के सामने मुसीबत मांग रहे, हमको समस्या भेजो, बड़ा 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 मुसीबत, क्यों भले उसी में आपका दर्शन होगा, आपका करुणा होगा, आपका दर्शन होगा, इसलिए आपका पास मेरा यही प्रार्थना है, मेरे मुसीबत भेजो हम लोगों को। इस बात का उत्तर दिया गया, जब मंगलमय हरि, हरि को क्या बोला जाता है, मंगलमय, मंगलमय हरि का जिंदगी में अमंगल बोल के कोई विषय नहीं है। मंगलमय हरि सारे ही अमंगल मंगल है, मंगलमय हरि के द्वारा कोई अमंगल का सूचना हो नहीं सकता, संभव नहीं। और हमारा जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए, समस्या आए, तो हम सीधा कह देते हैं कि ठाकुर जी का करुणा नहीं है, ठाकुर जी मंगल है, बेकार की बात है, कहाँ ठाकुर जी मंगल है, ठाकुर जी कहाँ मंगलमय है, हमारा जिंदगी में किस केस है, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा बोल देते। तो कुंती देवी इसका समाधान कर रहे, कुंती देवी इसका साक्षी, पांच पांडवों का जिंदगी में जितना सारे मुसीबतें आए, पितामह भीष्म इसी बात को तो चर्चा किया, जहाँ धर्म है, जहाँ नीति है, जहाँ साक्षात भगवान आपका पक्ष में है, आप लोगों को इतना मुसीबत कैसे हो सकता, इतना समस्या। मानो कि कुंती देवी सारे समाज को बताना चाहते हैं, तो देखो अकिन मानो विश्वास करो, ठाकुर जी मंगलमय हैं, ठाकुर जी का द्वारा कोई अमंगल हो नहीं सकता, जिसका जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका लिए ठाकुर जी कोई जिम्मेदारी है नहीं, ठाकुर जी मंगल चाहता है। इसी बात को कल आज सुबह में चर्चा किया था, कुछ भी हो हमारा जिंदगी में, कैसे भी ठाकुर जी हमको रखे, किसी हालत में भी हम रहे, हर हालत में ठाकुर जी का कृपा का अनुसंधान करना, हर हालत में, हर अवस्था में ठाकुर जी का कृपा का अनुसंधान करना, ये भक्त लोगों का काम है, उचित है। ऐसा एक बात तुलसीदास जी भी बहुत पहले तुलसीदास जी भी ये बात कहे, जय विधि राखे राम तय विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। ठाकुर जी जैसे भी रखे, जहाँ भी रखे, ये मेरा ही मंगल के लिए, क्योंकि मेरा मंगल कैसे हो वो हम जान नहीं पाता। बद्ध जीव किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान कर नहीं पाता, जब मंगल करने जाते हैं तो दिगुना अमंगल कर देते, मंगल होता नहीं, सोचा था मंगल होगा लेकिन हुआ नहीं। ऐसा ही कुंती देवी का स्तुति का बारे में बड़ा भारी सुंदर चर्चा हुआ, और पितामह भीष्म जो है, पितामह भीष्म का सुंदर स्तव आदि चर्चा किया था। इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चले गए, द्वारका पधारे,
और परीक्षित ये तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन हमको समय का अभाव है इसलिए हमको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा संक्षेप। यहाँ आप देखो ये द्वादश स्कंद में अश्वत्थामा, हमने बताया था अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा जब बहुत अपराध किया, यह दो एक दिन पहले चर्चा किया, अश्वत्थामा इतना बड़ा अपराध किया जिसका क्षमा ठाकुर जी नहीं किया, बोला हमारे पास कोई क्षमा नहीं होगा, वाह क्षमा का कोई प्रसंग नहीं है, जाओ। तो ठाकुर जी जब ठुकरा दिया तो वो चले गए, और कहाँ जाए, जो भी ये प्रसंग तो आता ही है, हम बोला था अश्वत्थामा जीते जी पिशाच जन्म प्राप्त हो गया, पिशाच हो गया जीते जी, उसका शरीर से बदबू निकालता है, इतना दुर्गंध कि कई किलोमीटर दो तीन किलोमीटर का अंदर कोई रह नहीं सकेगा, इतना दूषित दुर्गंध है। शर्म के मारे सर झुकाए, अपना पनिशमेंट अपना शास्ति जो है वो तो मिला ही है, अब ये जो अपराध हुआ उसका छुटकारा कैसे मिले। समाधान करते करते उसको याद आया शास्त्रों का बाद, ठाकुर जी का धाम जरूर क्षमा करे, ठाकुर जी जो क्षमा नहीं करते ठाकुर जी का धाम क्षमा करे, इसलिए ब्रजमंडल में आकर वहाँ अभी भी भजन कर रहे हैं जो भी है। और इसका पहले का बात मैं कह रहा था कि कैसे परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज जी का जन्म का बारे में थोड़ा सूचना सुबह में दिया था, कैसे जन्म हुआ। हम बोले देखो जब अश्वत्थामा अपमान होके जब धक्के लगाकर उसको निकाल दिया गया, और कई दिन बाद जब भगवान श्री कृष्ण दोबारा द्वारका जाने के लिए, उस समय ना वो तो है ही है जो अस्त्र मारा अश्वत्थामा जी ने पंच पांडवों का जो शेष वंश है उसको नाश करने के लिए, तो उत्तरा देवी दौड़ के आई। ये प्रसंग हम बोले सुबह में प्रसंग, आ इस समय क्या हुआ, बोले ठाकुर जी उत्तरा का प्रार्थना सुनते हुए उत्तरा का गर्भ में प्रविष्ट होके वो संतान बीज जो है वो संतान अर्थात परीक्षित महाराज को रक्षा किया। और परीक्षित महाराज गर्भ में रहते हुए इस बात को देखा कि कोई एक व्यक्ति सुंदर आके अस्त्र चलाकर हमको रक्षा कर रहा है, गर्भ का अंदर परीक्षित महाराज ये देखा। परीक्षित महाराज गर्भ का अंदर देखा कोई सुंदर एक पुरुष अस्त्र चलाकर हमको रक्षा कर रहा है, देखा। वो जो याददाश्त है, वो जो याददाश्त है वो हृदय में रह गया, ठाकुर जी का विषय है ना। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज का नाम कैसे परीक्षित रखा गया, क्यों, भले मुनि ऋषियों ने विचार करके इसका नाम परीक्षित रखा, क्यों, भले इसलिए रखा, एक तो बात है परीक्षित महाराज गर्भ में रहते हुए जो ठाकुर जी को देखे पहले गर्भ में रहते हुए, अब जन्म लेने का बाद भी बार बार देखते रहे ये क्या वही महापुरुष है जिसको मैं गर्भ में देखा था, नहीं ये महापुरुष वही है जिसको गर्भ में देख, ऐसा विचार करते रहे, जिसको भी देखे बोले यही महापुरुष है जिसको गर्भ में देखा था अंदर में, ऐसा परीक्षा कर रहा था। दूसरा एक अर्थ होता है परीक्षित महाराज जी एकमात्र भागवत कथा श्रवण का योग्य पात्र है, इसका बारे में हम बताएंगे। परीक्षित महाराज एकमात्र भागवत कथा सुनने का एक नंबर पात्र, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो शास्त्रों में ये बात लिखना संभव नहीं था। विष्णु श्रवण परीक्षित अभवत वैयास की कीर्तने इत्यादि श्लोक जो है ये संभव नहीं होता, श्रवण में परीक्षित महाराज
और कीर्तन में भैया सखी अर्थात सुखदेव गोस्वामी, इसका मन पहले से ही बोला हुआ है। जो भी है अंदर में रहते हुए परीक्षित महाराज के अंगुष्ठ मात्रम एक कोई अपिव्य दर्शनम श्यामम त्वरित वाससम अच्युतम। परीक्षित महाराज श्याम श्याम सुंदर सुंदर श्यामड़ा सा रंग है, कोई एक महापुरुष अस्त्रों के द्वारा अपना तेज के द्वारा सब रक्षा कर रहे हैं, इसका वर्णन है परीक्षित महाराज दिखन। और श्रीमद दीर्घ चतुर्वाहम तप्त कांचन कुंडलम खतजाक्षम गदा पानीम आत्मनहा सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम उल्काभ्याम भ्रामयंतम गदाम मुहु। गदा को ऐसा ऐसा करके गदा को घुमा रहे, और अस्त्रों को जो अस्त्रों फेंका था कौन परीक्षित महाराज यही अश्वत्थामा को काट रहे, ऐसा करके जन्म हुआ। और जन्म के बाद सारे प्रसन्न हुए क्योंकि पांडवों का एक एक प्रदीप है, उसका जो खानदान है खानदान का प्रदीप है ये परीक्षित महाराज, और जितना सारे ऋषि मुनि हैं बड़ा भारी प्रसन्न भए और विचार किया। आविर्भाव का जो समय है, आविर्भाव का समय सारे ऋषि मुनियों ने बैठ कर विचार किया, उसका कुंडली बनाया, कुंडली जानते हो जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली बनाते हुए बोले महाराज युधिष्ठिर महाराज के बोले महाराज ये बड़ा ऊंचा आदमी है भाई, ये क्या है परीक्षित महाराज का नाम विष्णुराज भी है, हैं इसीलिए कि विष्णु अर्थात भगवान रखा किया। और ऐसा है कि जन्म कुंडली देखकर वो सारे ऋषि मुनियों ने बता दिया ये बड़ा ऊंचा आदमी बनेगा आपका, नौ संदेह महाभागो महाभागव तो महान, बड़ा महाभागवत होगा, बड़ा एकदम आदमी, और सारे समाज को रक्षा करे, और इतना बड़ा वीर होगा कि आपका खानदान खानदान का नाम जो है उजाला करेगा, ऐसा है, प्रजाओं को पालन करे और ब्राह्मण ब्राह्मण ऊँचू ब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण लोग वैष्णव लोग जो है साधु संतो, ये ब्राह्मण ऊँचू ब्राह्मणों को बताए पार्थो प्रजा भीत साक्षात इच्छाकु रीव मानव वे महाराज, ये मनुपुत्र इच्छाकु का बराबर होगा, दशरथ रामचंद्र के मापिक ब्राह्मणों के हितकारी सत्य पालन में तत्पर, ऐसा गुणावली है ब्राह्मण ऊँचु पार्थ प्रजावीत्वा साक्षात इच्छाकुरीव मानव ब्राह्मण 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 मतलब ब्राह्मण विष्णु को सेवा करने वाला ब्राह्मण देव, जैसे रघुनाथ जी का जो पूर्वाश्रम का पिताजी और चाचा जी है ना रघुनाथ दास गोसाई हिरण्य गोवर्धन, इसका बारे में लिखा हुआ था बड़ा भारी ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण वैष्णव साधु संतों को बड़ा सेवा करने वाला, पोषण कर पोषण तो ठाकुर जी करे, पोषण बोलना उचित भी नहीं होगा, बोले बड़ा सेवा करते उन लोगों का आदर करते सेवा करते सब ब्राह्मण। और ये जो है इसका तुलना किया गया है जे ब्राह्मण सत्य संदस्य रामो दासो रथिर यथा, दशरथ राम का माफिक उदार, राम का माफिक वीर, चारों ओर उसका नाम फैलेगा, एशो दाता शरण्यश्च यथा औषी नरो शिवी, औषी नर शिवी का बात आता है ना दानों में,
सी भी बहुत सारे कहानी हैं, उसको समय नहीं है। ऐसा दानी होगा अपना शरीर को दे के भी रक्षा करे, शरण में आने वाले को, शरण में आने वाले को हर हालत में रक्षा करे। ऐसा यशो वितानीता स्वानम दोष मंत्री वो जज्जनाम दोषमंत में दुष्यंत राजा का दोषमंती, दोषमंती कौन है भले? दुष्यंत राजा का लड़का था कौन? भरत, जो सिंगों को शेर को ऐसा करके ले गए, ऐसा करके फेंक देता था बच्चन, जब 4-5 साल का उम्र था सिंगों को ऐसा करके पकड़ता था, खेलते खेलते तुम फेंक दे बच्चा, इतना पावर, बाप रे 4-5 साल का बच्चा सिंगों को पकड़ के खेलते, चूहे जैसे बिल्ली का साथ, बिल्ली जैसे चूहे के साथ खेलता है, ऐसा ऐसा क्षमता। और बहुत सारे प्रशंसा दिया गया और ऐसा बहुत बड़ा आपका खानदान को पूरा ऊंचा करेगा, ऐसा सुंदर, कोई चिंता मत करो। लेकिन एक तो लेकिन आ गया, क्यों? लेकिन इसलिए आ गया कि इसका शरीर छूटना है तब किसी का अभिशाप से छूटना है, लेकिन आ गया एक तो। लेकिन का उत्तर आए इधर बड़ा सुंदर, कोई चिंता नहीं है कि शास्त्रों में ये विचार है कि तिरजसो सजीवती, जिसका कीर्ति है वो थोड़े दिन के लिए भी जिए उसका वो अमर बन जाता है। कीर्ति रजस्व सजीवती, अकीर्ति रजस्व सनस्वती, ये नियम है। अभी इधर बात हुआ कि ये जो सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, अब विदुर जी क्यों गए तीर्थ यात्रा के, क्या कारण है? भाई सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विदुरो तीर्थ यात्रायम मैत्रयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्या अगाधस्तिनपुरम तया वाप्तो विवेश्वतः। विदुरः तीर्थ यात्रायम मैत्रयाद आत्मनो गतिम, पहले ये बात हम तृतीय स्कंध में भी है बताएंगे, फिर इधर प्रसंग आया तो कह देते को ये जो विदुर जी है, विदुर जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने जा रहा है, विदुर जी महाराज बड़ा प्रयास प्रचेष्टा किया कि युद्ध झंझट ना होए, युद्ध अगर हुए तो बड़ा भयंकर युद्ध, इसमें कोई नहीं बचेगा। विदुर जी महाराज हाल हालत में कोशिश की कि युद्ध ना हो, भगवान श्री कृष्ण भी दूध बन के गए, दूध बन के जाके कोशिश की कि के युद्ध ना हो, समाधान हो जाए, लेकिन होनहार का खेल है ठाकुर जी का, होना ही है युद्ध, कौन रुकेगा? ठाकुर जी बोले ठीक है युद्ध होने दे। विदुर जी कैसे बाहर चले गए इसका प्रसंग तृतीय स्कंद में हम बताएंगे। उसको अपमान किया था दुर्योधन ने, ऐसा अपमान किया वो पूछो मत। लेकिन वैष्णवों का मान और अपमान दोनों ही बराबर है। अपमान किया तो इसका बारे में विदुर जी महाराज दुख नहीं पहुंचे। विदुर जी महाराज को इस बात का दुख हुई कि जो खानदान उजारने जा रहा है इस बात का क्या होगा, हमारा अपमान किया ठीक है कोई बात नहीं। विदुर जी माधुकुरी को लेकर के खाने वाला था, राजधन खाने वाला नहीं था, राजधन नहीं खाते थे, भिक्षा करके खाते थे माधुगुरी, इसलिए इतना विशुद्ध बुद्धि किसका? विदुर जी का, महाभागवत। और पितामह भीष्म को ये द्रौपदी जी ने एक प्रश्न किया, उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया। द्रौपदी जी ने प्रश्न किए, दादाजी आप तो इतना उपदेश आप दे रहे हो, इतना सुंदर धार्मिक उपदेश दे रहे हो, सुनने का लायक है इतना उपदेश,
लेकिन जब हमारा अपमान हुआ था, हमारा कापर उतर रहा था, तब आप कहाँ थे? पितामह विश्व सर झुका गया थोड़ा सा टाइम के लिए। कहे बेटी का कहे, बात यह है कि जिसका अन्न खाए ना तो चित्त जो है उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। जब ये महाभागवत है उसका तो हृदय नष्ट नहीं हो सकता, बोला हम क्या करें, उसलिए चुप रहना पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि हमको भरोसा था ठाकुर जी है रखा करें, हम कुछ भी करने जाए उधर ही आँख जल जाएगा। और हमारा प्रतिज्ञा है पहले से ही, जो अब बचपन में हम प्रतिज्ञा किया था, ये जो कुरु वंश है इसी राजगद्दी का रक्षा के लिए हम हर हालत में प्रचेष्टा करें, ये प्रतिज्ञा पहले से ही मेरा है। ये दोनों चीज़ है, बहुत सारे व्याख्या है, नहीं तो आदमी उल्टा समझेगा। पितामह विश्व जैसा महापुरुष होता ही नहीं, इतना बड़ा महाभागवत। तो विदुर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे और तीर्थों विष्णु तीर्थों को पर्यटन किए पूरा भारत, और पर्यटन करते करते भगवान श्री कृष्ण जब नित्य धाम को चले गए तो मैत्रेय मुनि जो है, और उद्धव जी, जब उद्धव को भागवत तत्व का बारे में उपदेश दे रहा था कौन, भगवान श्री कृष्ण, तो मैत्रेय मुनि भी उधर मौजूद थे। और मैत्रेय मुनि का बड़ा आदेश था कि आप भगवान श्री कृष्ण चले गए नित्य धाम, बाद आएगा प्रसंग। उस समय मैत्रेय मुनि का ऊपर आदेश हुआ, विदुर जी आपका साथ मिलेंगे और विदुर जी को ये तत्व ज्ञान देना। जब भी विदुर जी महाभागवत है, तत्व ज्ञान का कोई अभाव है नहीं, फिर भी एक लीला है। तो इस बात का पता था उद्धव जी को, उद्धव जी का साथ विदुर जी का प्रसंग आएगा तीसरा स्कंद में, बड़ा भारी आनंद प्रसंग। तो उद्धव जी महाराज विदुर जी को बताए, आपको तत्वज्ञान उपदेश देने के लिए मैत्रेय जी अपेक्षा कर रहे हैं गंगा नदी का किनारे, दू नद्याम मैंने सर्गो नदी न मैंने सुरधुनी अर्थात गंगा, वहाँ आप जाओ वहाँ। तो विदुरह स्थित्व यत्ताया मैत्रेयाद आत्मनोगतिम ज्ञात्या अगाध हस्तिनापुरम तया बाप्तो विविस्तः। भले विदुर जी महाराज बहुत दिन बाद खबर मिला कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त भये, बहुत दिन हो गया, और आत्मभूम तीर्थ पर्यटन करते करते आत्मगति विषयक जो ज्ञान है वो मैत्रेय मुनि से प्राप्त कर लिया, और अतः हस्तिनापुर को चले, क्योंकि वो उसका मन में स्वाभाविक एक क्यूरोसिटी है, एक कौतूहल है कि अभी हालत क्या है, युद्ध तो हो गया अब देखने के लिए जाए, सुना तो है पूरा खानदान उजार गया, फिर भी चल के देखे। तो तीर्थ पर्यटन करने के बाद ऐसा है कि वो हस्तिनापुर को गए तो हस्तिनापुर में हल्ला मच गया कि विदुर जी आए हैं, विदुर जी, क्योंकि महाभागवत वैष्णवों को तो प्यार करता है सारे आदमी, तो विदुर जी आए तो हल्ला मच गया, वो विदुर जी आए हो, आओ आओ। और युधिष्ठिर महाराज को खबर मिला तो युधिष्ठिर दौड़ लगाया, कहाँ है तातो मतलब काका, दौड़ के गया और चरण में गिरा, रोते रोते उसको पकड़ के ले आया, कहाँ चले गए, इतना प्यार करते हैं आप, कितना बार रक्षा किया, जदुगृह में जो आग लगाया था, जदुगृह में जो आग लगाया था दुष्ट दुर्योधन ने कली का अंश में उसका जन्म, तो कौन बचाया था, विदुर जी बचाया था। विदुर जी बार बार, अब ये विदुर जी आ गया तो युधिष्ठिर महाराज एकदम चरण में गिरकर एकदम रोते रोते रहे, हम लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए आप, बोल के लाया, पैर धुलाया और उपवेशन करा के नाना धोने के बाद प्रसाद के बाद आसन में बैठा कर अब प्रश्न शुरू किया। युधिष्ठिर महाराज ने बोले, हार जब आप चले गए आपका ही चरण छाया में हमारा पालन पोषण हुआ था, क्योंकि पिताजी तो पहले गुजर गए, आपका ही स्नेह आशीर्वाद से हमारा जिंदगी सही ढंग से
अब आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ चला गया। युधिष्ठिर मां रोते रोते बोल रहे हैं, ओपि स्मरथो नो युष्मत पक्ष छाया समेधीता नो विपदो गणात बीषाग्नि बीष अग्नात देर मोचिता यत समात्रिका। हमारा माताजी सहित हमारे जितना भाई है सबको बीस दान का समय में आग लगाने का समय में सारे समय आप ही तो बचाया था, और आप जब तीर्थाटन करने के लिए चले गए तो उस समय कैसे गुजा कैसे आप पर्यटन किए। भले कया वृत्ता वर्तितम बस चरत भी खितिमंडलम तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी सेवितानी हो भूतले। ये भूमंडल का जो विष्णु तीर्थ है जितना सारे विष्णु तीर्थ है, ये विष्णु तीर्थों का सेवन करने के लिए विष्णु तीर्थों का सेवन करने के लिए विदुर जी चले गए थे। और ये इस समय आप कैसे आपका गुजारा हुआ करता था, कैसे क्या खाते थे, कैसे चलते थे, कैसा आपका रहन सहन कैसा ये। और उसके बाद एक बड़ा सुंदर बात बोले, वो भक्त समाज है जिंदगी भर याद रखे, वो याद रखने की वाला बात है, मुखस्थ करके रखना है। बोले वैष्णव लोग, युधिष्ठिर महाराज बोले आप तीर्थ टर्न करने के लिए चले गए, तीर्थ करने का तो आपका कोई दरकार ही नहीं, आप स्वयं तीर्थ है। गुरु वैष्णव जो है विशुद्ध है, वो तो तीर्थाटन करते रहते हैं ऐसे ही शिक्षा देने के लिए, ऐसे तो स्वयं तीर्थ है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने बताया, भवद्भिदा भगवतहा तीर्थभूता स्वयं प्रभो, स्वयं विभो, प्रभो न विभो, विभूति है तो विभु है इसलिए विभो, आप प्रभु बोलने से भी ठीक है। भवद्भिदा भगवतहा तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानी शांतस्ते न गदाभृतः। गुरु वैष्णव का हृदय में ठाकुर जी रहते हैं, आपका भी हृदय में है, बोला हमारा हृदय में नहीं, आपका भी हृदय में है, सबका हृदय में है। इसी बात का उस उत्तर देने के लिए बोला था उस दिन, हम उत्तर देंगे, अभी उत्तर देंगे। भक्तिर हृदय सदा गोविंद विश्राम, इसका मतलब क्या हुआ महाराज, क्या हमारा हृदय में गोविंद नहीं, वो जरूर है, लेकिन आपका हृदय में रहना और एक शुद्ध गुरु वैष्णव का हृदय में रहना दोनों में फर्क है। पर कैसे, एक एक्टिव रूप में रहना एक पैसिव रूप में रहना है। जैसे सब जीवात्मा है, सबका हृदय में भगवान है, लेकिन उस बारे में उसको कोई पता ही नहीं, उसको जानकारी नहीं है। ठाकुर जी को प्राप्त कर, आप ठाकुर जी को प्राप्त करोगे, करोगे ना, हम बोला झूठा बोल रहे हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करके ही बैठे हुए हो सब जीव, ठाकुर जी को प्राप्त करके ही बैठे हुए हैं। ठाकुर जी को क्या प्राप्त करेगा, जस्ट टू रियलाइज इट, भजन में उतारो, भजन करते करते अनुभव में उतारो, बस हो गया। ठाकुर जी को प्राप्त करके तो बैठे हो, ठाकुर जी तो है अंदर में, बस उसका अनुभव करो, करने से हो जाएगा। लेकिन ये इस बात का किसी को पता नहीं है, अनुभव नहीं, सब ढूंढते रहते हैं। इस बात का हमारा ये जो ध्रुव महाराज बोले, काचम विचिन्नपि दिव्य रत्नम प्राप्तवान, ये सुंदर प्रसंग आएगा। बस जब ठाकुर जी आ गए सामने, ध्रुव महाराज रोते रोते बोले, ठाकुर जी हम इतना दिन तो शीशे का टुकड़ा ढूंढते रहे, और ढूंढते ढूंढते अचानक एक तो हीरा मिल गया, काचन विचिन्नपि दिव्य तम प्राप्तवान, तम प्राप्तवान सामिन बरम न जाचे, हे सामी हमको और बर का जरूरी नहीं है, हम बर देखे क्या करे, हमें बर का जरूरी नहीं है, हो गया, मिट गया हमारा सब। बोलो ना हो तो होगा नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। इस बात का प्रसंग आएगा ध्रुव महाराज का, बड़ा जल्दी आगे जाना पड़ेगा, हमारा पूरा टेंशन हो रहा है, अपना तो कोई टेंशन है नहीं, ठाकुर जी की कथा ठीक से हो ये मेरा इच्छा है, एक बड़ा सेवा है। तो जो भक्तों लोगों का हृदय में ठाकुर जी का रहना और साधारण आदमी का हृदय में ठाकुर जी का रहना, इसमें फर्क है। और शास्त्र में बोला है,
भक्तों का मुख में ठाकुर जी स्वयं खाता है, लिखा है, बहुत प्रसंग है। और कई जगह ऐसा है, हमारा भक्त लोग जो है, हमारा भक्त लोग हमारा माफिक पूज्य है, यथा ही अहम, ये लोग जैसा हम जैसा पूज्य है, वो लोग ऐसा ही पूज्य है, कम नहीं। ऐसा बहुत सारे प्रसंग है। और गुरुजी का भी जो अष्टक मत है, साक्षात हरित्यन समस्त शास्त्र इत्यादि पढ़ते हो, इसमें प्रियते ठाकुर जी का प्रिय एकदम अत्यंत प्रिय, इस विचार से शब्दों का माने लेना चाहिए। जो भी है, भवद विदा भगवतः तीर्थभूत स्वयं विभो, आपका मापिक जो महापुरुष है वो तो स्वयं ही एक बड़ा तीर्थ है। अब वो तीर्थ ही कुर्वंती तीर्थानि, जितना सारे तीर्थ है, तीर्थो मलिन हो जाता, तीर्थो मलिन होता नहीं, सारे तीर्थ जो है विशेष करके आज के जमाने में सारे तीर्थ मलिन हो जाते। क्यों? पखंडी पापी लोग जाके तीर्थों में बासा करता है, और वहां जाके उतना सारे पाप करे, अपराध करे, उपसर्ग करके दूषित कर देता है। जितना सारे तीर्थ है, जितना सारे दूषित कर देता है। अब उपाय नहीं है, पखंडी लोग तो क्या करे, वहां जाके वो सुविधा मिलता है, दान दक्षिणा मिलता है, वहां जाओ अत्याचार करो सब करो, वहां रहता है। सच्चा संत को आपको पता ही नहीं है कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ऐसा करते करते। और गंगा जी जब धरती पे आई, गंगा जी का पहला क्वेश्चन, ठाकुर जी हमको तो धरती पर भेज रहे, हम पतित पावनी गंगा, हमसे सब पापी पखंडी आके हमारा ऊपर पाप को धोए, हम भले कहाँ जाए। ठाकुर जी को पहला क्वेश्चन, हम कहाँ जाए, अब हमको भेज रहे उधर, भले आपको चिंता नहीं है, आपको पवित्र करने वाला साधु संत तो आप में नहाएगा, पवित्र संत वो नहा के फिर आपको रिचार्ज करेगा, रिचार्ज ना, आप रिचार्ज करते हैं जैसा सन इंस्ट्रूमेंट है सबको इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको रिचार्ज कर, रिचार्ज में बैठा दिया, वो रिचार्ज हो जाए सारे रिचार्ज। तीर्थों का जो महिमा है, तीर्थों का जो पावर है, वो धीरे धीरे कमती हो जा। और तिथि कुर्वंती तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृता, गदाभृता मतलब गदाधारी भगवान, गदाधारी भगवान जो है वो स्वयं संत महात्मा का हृदय में रहते हुए प्रकट विहार हृदय में। और वो लोग जब तीर्थ पर्यटन करते हैं तो तीर्थों का महिमा द्विगुना बढ़ जाता है। नहीं तो नरोत्तम ठाकुर जी ने बोला है, तीर्थ यात्रा परिश्रम सकली मनिर्भम है, सकली मनिर्भम ना, ऐसा बताया, सर्वसिद्धि गोविंद चरण, तीर्थ यात्रा मन की भ्रम है, ये आपका लिए। क्योंकि तीर्थों का मतलब ही है वहां साधु संग करे, तीर्थ पर्यटन करने का मतलब है वहां अगर साधु नहीं मिले, हरिकथा नहीं सुने, साधु संग नहीं किया, तो तीर्थ किस बात की, क्या करोगे वहां जाके। तीर्थों का तो महिमा आपका हृदय में नहीं आए, तीर्थों का महिमा आपका सामने नहीं आने वाला ना। तो ऐसा ही है। अब ये जो विदुर जी है, इसका एक पुराना कहानी है, विदुर जी कौन है, विदुर जी साक्षात जमराज जी महाराज, विदुर जी साक्षात जमराज जी महाराज। बोले विदुर जी कैसे हुआ, तो फिर बोले विदुर जी का ऊपर सांप लगा, ठाकुर जी का इच्छा, सांप लगा, कौन सांप दिया, मांडव्य ऋषि, मांडव्य ऋषि को पनिशमेंट दे, शास्ति देने के लिए ऊपर गए, मानव शास्ति देने के लिए। मांडव्य ऋषि बोले, तमाम पूरा जिंदगी हमने भगवान का भजन किया, हमारा भाई ये शास्ति क्यों दे रहे हो, हमको क्यों मिला ये शास्ति, हमको क्यों मिला, सूलों का ऊपर हमको चढ़ाया गया, किस लिए, क्या कारण है। बोले आप बचपन में एक ग्रोस होवर,
ग्रोस पर्व गंगा फरिन जो उड़ते हैं ना घासों पे, उसको एक को पकड़ के नीचे आप जो सला है काठी जो है घुसाया। इसका ये जो कष्ट दिया वो प्राणी को, इसलिए आपको ये शास्ति मिला। तो उस टाइम में मांडव ऋषि बड़ा भारी गुस्सा हो गया। वो क्या, हम तो उस समय में बच्चा था, कुछ हमको पता नहीं था। बच्चा है, हमको कोई होश नहीं था, तो हमारा क्या कसूर है, हम तो बच्चा था। तो एकदम साफ दे दिया, बोला जाओ 100 साल तक आपको धरती पे जाना पड़ेगा, शूद्र योनि प्राप्त करके रहना पड़ेगा, जाओ आओ शूद्रतम 100 साल तक। तो तब से नियम हो गया कि जब बच्चा है मासूम, उसका कोई पाप अब काउंट नहीं किया जाए। तब से नियम हो गया, पहले नियम था जो भी पाप करे सबका पाप, लेकिन बाद में ही नियम चालू हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था कि बच्चा जो है मासूम, उसका कोई पता नहीं, वो बच्चा का कोई दोष नहीं। शुद्ध भक्ति के बारे में क्या उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, काल हम चर्चा करेंगे सुंदर। ये जो है तो तीर्थ पर्यटन करने का गया, अभी ये तो प्रश्न उत्तर हो रहा है। इसके बाद उत्तर आया युधिष्ठिर वाचो, युधिष्ठिर ये सब उत्तर दिया। और ये जो 100 साल तक मांडव मुनि का अभिशाप लगा, तो विदुर जी महाराज धरती पर, ये जो विदुर जी महाराज अर्थात जमराज जी महाराज धरती पर आए, और विदुर जी महाराज का रूप पे इधर आपका विचरण करते रहे। अभिभ्रत अर्जमा दंडम, अर्जमा कौन है, पितृलोक का जो लीडर है सबसे बड़ा, उसका नाम अर्जुमा। तो जमराज जी जो 100 साल के लिए नीचे गए, तो आप प्रश्न आता है जमराज का काम कौन संभालेगा, जमराज का काम तो जमराज ही संभाले और तो कोई है नहीं। तो यहां अर्जुमा जी को 100 साल के लिए ये देखभाल करने के लिए उधर जुमा दिया गया, आप रहो इधर। ऐसा करते करते क्या है, तो विदुर जी महाराज ऐसा प्रसंग आता है। अब जो एकदम गुप्त प्रसंग है, किसने युधिष्ठिर, किस लिए विदुर जी महाराज तीर्थ पर्यटन के बाद ये जो हस्तिनापुर में आए, इसका पीछे रहस्य क्या है, रहस्य क्या है, ये रहस्य है इसलिए कि भैया जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र इतना अन्याय किया, अंधा धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र क्या अंधा है, तो धृतराष्ट्र जी का जो अंधापन है, धृतराष्ट्र जी हृदय में अंध है। धृतराष्ट्र अगर आंखों में अंध है तो कोई बड़ा बात नहीं, धृतराष्ट्र अगर अंधा है आंखों पे तो बड़ा बात नहीं, लेकिन अंधा है क्या, हृदय में अंध है। जब कोई आदमी हृदय में अंध हो जाता, ये आंखों किस काम का, हृदय अंध हो गया तो इस बात किस काम का है, कोई काम का नहीं। तो इसलिए ये अंध धृतराष्ट्र को बचाने के लिए और हस्तिनापुर का ऊपर कृपा करने के लिए विदुर जी महाराज पधारे। और विदुर जी महाराज आके वो अंध धृतराष्ट्र जिस घर में रहते थे, अंध धृतराष्ट्र राजप्रसाद में, क्योंकि 100 संतान मारे गए, इसके बाद 5 पांडव जो है उसको उठा के लाए, दादाजी आप ऐसा है जो तातो आप कहाँ रहोगे, धृतराष्ट्र को पकड़ के ले आए, गांधारी माँ धृतराष्ट्र दोनों को लेके अपना जो राजमहल है उसमें एकदम खास कमरे में सुंदर रखा, सुंदर कृपा करके, और बड़ा भारी उसका सेवा पूजा की, सेवा की
रोज सुबह में गांधारी माता और अंध धृतराष्ट्र को दंडवत करने, प्रणाम करने के लिए रोज रोज जाते थे, नियम है। अब विदुर जी महाराज अभी उस घर में गए। अब जब पता चला कि विदुर जी आ गए, बहुत सारे बातचीत हुआ, होने का बाद विदुर जी महाराज पूछना शुरू कर दिए, जो पहले हम आपको कितना सारे विचार आप हमको पूछे जे इस समस्या या क्या करें, तो हम इसका उत्तर दिया, एक भी बात आप माना नहीं, कितना सारे हम आपको उपदेश दिए, कितना सारे मंत्रणा किया ना, मंत्र मंत्री था, उपदेश दिया, तो किसी एक बात को भी आप माना नहीं, सुनते रह गए लेकिन माना नहीं। अब आज देखो हालत क्या है, देखा अवस्था, और इसी अवस्था आपका जीने का इच्छा तो बहुत बड़ा है, इतना उम्र बढ़ गया, मरने का समय आ गया, फिर भी आप जीने का इच्छा बहुत है आपका, आपको आपको शर्म नहीं आता हृदय में जी, ये पांच पांडवों को, इसका खानदान को मिटाने के लिए कितना कष्ट, कितना आप अनुमोदन किया ना, आप ही तो आप ही ने तो किया था। अब उसी पांच पांडवों का घर में आप रह रहे हो, अब भोजन कर रहे हो, आराम से रह रहे हो, कोई बात नहीं, चिंता। इसलिए बोल रहे देखो, अहो महियोसी यंतो रिजवीतासा जया भवानो, आपका जीने का इच्छा जो है, वो जीने का जो इच्छा है उसको हम सलामत देते हैं। बड़ा भारी आपका जीने का इच्छा, शर्म नहीं आते आपका। अहो महियोसी यंतो रिजवीतासा जया भवानो भीमापवर्जितम पिंडम आदत्त गृहपालवत, जो भीम को युद्ध होने का बाद भी नाटक किया, ओ भीम इधर आ जा, रोते रोते आलिंगन करे थोड़ा, कृष्ण बोले मत जाओ मार डालेगा, बोले मारेगा, बोला हाँ और नाटक है, तो लोहे का भीम जो है उसको आगे कर दिया, कृष्ण भगवान इशारा किया लोहे का भीम आगे कर, लोहे का भीम को ऐसा आलिंगन किया, चूर चूर कर दिया, बोले देखा भीम को ही मार डालता, इतना प्रतिहिंसा है। जब तक वास्तव साधु संग ना हो, किसी का हृदय से हिंसा वृत्ति जाने वाला नहीं है, मत्सरता हिंसा किसी भी हालत से जाने वाला नहीं। एक शुद्ध साधु का संग हो जाए तो पता चले, साधु गुरु वैष्णव का सौंदर्य दर्शन हुए तब संभव है। तो भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्त गृहपालवत, जैसे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाला जाता है डेली, भीमदत्तो बचे भीम अपवर्जितम, भीमापवर्जितम पिंडम आदत्त गृहपालवत, हाँ इस घर में आप खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, आपको जीने का बड़ा इच्छा हो रहा है, शर्म नहीं आ रहा है, ऐसा करके जो बुरा धक्का लगाया। संतों का बानी तो महान है ना, संतों का बानी है, संत एव अस्वच्छिन्नंति मनोव्यासंगम उक्ति भी, उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी, उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी, संत महात्मा पक्का संत महात्मा है तो वो क्या करे, समाज का जो बंधन है, जो कष्ट में गिरे हुए हैं, वो सब बंधन को काट कर फेंक देते हैं, मुक्त कर देता है, यही है बात है। संत एव अस्वच्छिन्न अतः दुस्संगम उत्सिज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान, अतः दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान, क्यों संत एव अस्य छिंदंति मनो व्यासंगम उक्ति भी, जितना सारे व्यासन है, दुर्व्यासन है, सबका जो बंधन है, एक एक करके गांठ हमने पहले भी बहुत चर्चा किया, सबका हृदय में बंधन है, अहमिता ममता ये सब जो है, अविद्या अस्मिता सब बंधन है, इसको एक एक करके उसका गांठ को भागवत कथा सुनते सुनते काटो, नहीं काटोगी तो होएगा नहीं कुछ, काटो, काटते काटते फेंको, मुक्त हो जाओ हैं। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष जड़ से इतना चिपक के रहता है कि कोई झड़ है, कुछ आए, पानी आए तो इतना
उसका जो जड़ है इतना नीचे पे गया तो उसको उखाड़ के फेंकना मुश्किल है। जो जड़ है ना, जितना सारे समाज का आदमी, इस समाज का आदमी ये सब जितना सारे है, इस उसका जो विषय का जो चिंतन है, वो चिंतन करते करते वो उसका जो जड़ है इतना नीचे तक गया, उसको उखाड़ के फेंकना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं। कैसे फेंके? नीचे से उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अब फेंके कैसे? ऐसा जबरदस्त बंधन है, हैं? और संत महात्मा लोग क्या करते हैं, प्रवचन करते 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 उसको ऐसा हालत बना दे कि जड़ से अलगा होके रहे, संसार में है, कहां जाए बेचारा संसार में, लेकिन लूजली अटैच्ड, अलगा होके रहा, हल्का, जब भी समय ठाकुर जी बुलाए चले जाए। एक उदाहरण दे दे, बहुत सुंदर लगे। प्रभुपाद जी कहते थे ये समाज का आदमी कैसा है, भले अपना नंगोर को, नंगोर है ना एंकोर, इसको उठाते नहीं, राजी नहीं है। एक दफे बरात जा रहा है, बड़ा भारी नौका है, किश्ती है, बड़ा किश्ती में सब रात का टाइम चढ़ के बैठ गया, और जो बोटमैन है, जो माझी है, हैं, उसको बोले ए जल्दी चलाओ, 12 बजे तक शादी का टाइम है। बोले महाराज अब चिंता मत करो, सो जाओ आप, हम 12 बजे पहुंचा देंगे। बोल के सब नशा भी किया था गांव का आदमी, कोई चरस, कोई भांग, हैं, कोई हैं, ऐसा करके सब नशा भी किया, और सारे नौ किस्ती में बैठ गया, बैठ के झूमने लगे, नौका जा रहा है। और सुबह हो गया, सुबह जब हो गया सब आंखें बोले अरे सुबह हो गया कैसा, बोले बोटमैन को मारने गया, और क्या हुआ, बोला हम क्या करें, हम तो चक्कू चलाते रहे, हैया हैया हैया, हम तो चक्कू चलाया, चक्कू चला तो गया नहीं क्यों, बोले महाराज वो जो एंकर है लोहे का एंकर, नीचे से गड़ा था, उसको उठाया नहीं था, अब पूरा रात चक्कू मारते चला, लेकिन फायदा नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। ऐसा संसार का जो आदमी है सारी चक्कू चला रहे, हम भजन कर रहे, भजन कैसे कर रहे हो, हैं? भजन करने के पहले उठाओ तो सही, उठाया नहीं। ऐसा है जो ये जो विदुर जी महाराज पहुंचे, तो विदुर जी महाराज क्या की, बोले जो बात अभी बताया, संत एव स्वच्छिंदी मनोव्यासंग उक्ति, क्यों सत्संग करे, बोले शास्त्र में बोला अतः बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे, वास्तव साधु संग करे, जिसके द्वारा वो चले जाए, जगत से भी चले जाए। बामन जी महाराज जगत से चले गए, इसका उनका उसका वाणी जो है अभी गूंजते रहते हृदय में, आहा कितना बड़ा महात्मा, चले गए तो चले गए, महात्मा तो चले गए, लेकिन उसका वाणी दिल में गुंजित होते रहता है, कैसा सुंदर है। तो संत एव स्वच्छंदी मन व्यासंगम उक्ति भी, हमारे भी जिंदगी में ऐसा हुआ, 5 साल से कोई, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से हरिकथा सुनते रहे, लेकिन श्याम बाबा कौन है किसी को पता नहीं, देखा ही नहीं। अभी हुआ था वो, ये तुम्हारा ये सैरापुली बोल के आपका माथ है नमैतित्वगात, एक इंजीनियर है, बहुत सुंदर लड़का, 5 साल से मेरा हरिकथा सुन रहे, वो श्याम बाबा कौन है देखा ही नहीं। जब उस दिन देखा बोली ये सब मवारी बाबरे, आनंद होके आया, बहुत अच्छा अभी है, जो भी है ऐसा ही है। तो मेरा कोई इसमें तो मेरा कोई बाद मेरा कोई तो इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, कि जो वाणी है गुरुवर्ग का है, प्रभुपाद जी का है, वो सुन के अगर उसका मंगल हुआ, उसमें हमारा क्या लेना यार, हमारा कोई अभिमान भी नहीं, कुछ नहीं है। ठाकुर जी तो कथा ठाकुर जी सुनाए, ठाकुर जी सुने, शास्त्रों में तो यही विचार है ना, पियाइया प्रेम मत तो कोरे मोरे सुनो निजो गुणगान, हमको आप पियाओ प्रेम पीजूस अमृत को पिलाओ, आप पिला के जब हमारा बहुत भरपूर अमृत हम पी लेंगे, उसके बाद हम बोलते रहेंगे पियाइया प्रेम, मतलब प्रेम को पिलाओ हमको ठाकुर जी, और पिला के खूब अपना कथा आप ही सुनो, ठाकुर जी का कथा, ठाकुर जी खुद बोले और खुद ही सुने, जैसे राय रमानंद और महाप्रभु के सद बातों में, राय मुख्य वक्ता स्वयं गौर राय, राय महाशय जो राय रमानंद जी इतना सारे प्रवचन कर रहे, तो कौन कर रहे,
मतलब उधर लिखा हो शास्त्र में राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय, राय का जवान पे गौरांग महापुर स्वयं प्रश्न कर रहा है स्वयं उत्तर दे रहे हैं। राय महासवी इस बात को स्पष्ट किया, हम जंत्र है, हम जंत्र है, अब जंत्री हो जंत्र को चला रहे हैं। ऐसा करके जब फट जय शास्त्रों का बड़ा भारी करा प्रवचन दिया कौन विदुर जी महाराज, तब आगे चल के उसका बुद्धि थोड़ा बहुत अक्ल आया। जब अक्ल आया तो बोले इतना फटकार दिया इतना, आपको शर्म नहीं है यहाँ बैठे हो, आपका मौत पीछे मौत खड़ा है आपको मालूम नहीं है, देखो पीछे मौत है खड़ा, अभी भी आप इधर आराम करके बैठे हुए हैं, शर्म नहीं है, पांच पांडवों को कितना मारने का कोशिश किया, उसका जमीन जायदाद राजधानी कुछ नहीं दिया, अधर्म किया, और हमको आप पूछे विदुर क्या करना चाहिए अभी, और हमने तो सब बोला, हमने क्या कसूर किया, सब तो बोला राजन ऐसा करने से सही धर्म होगा, आप माना था मेरा बात को, नहीं माना। विदुर जी महाराज पूरा जिंदगी में जितना उपदेश दिया था किसको, युधिष्ठिर महाराज को, वो एक किताब बन के रह गया, अनंत काल रहेगा। तद वैदुर वैदुरिकम, उसका नाम क्या, वैदुरिकम बदंती वैदुरिकम, अर्थात विदुर जी महाराज जो उपदेश दिया एक किताब बन के रह गया, इतना सुंदर है विदुर जी महाराज का उपदेश। तब आगे चल के इतना जब बोला तब क्या बोले, धीरे धीरे वो तैयारी हुआ, सुबह का टाइम में अरुणोदय का पहले किसी को बिना बुलाए राजधानी से अंधा है फिर भी निकाल पड़ा, फिर भी निकाल पड़ा, हुआ चला गया पीछे दर्जा से, सामने दर्जा से जाए तो पकड़ लेगा, पीछे दर्जा से पूरा हिमालय का ओर उत्तर दिशा का ओर, उत्तर दिशा का ओर चल पड़े। गांधारी मैया भी पीछा पीछा की, और जाते जाते पूरा हिमालय का जो पाद हिमालय का जो स्थान है वो हरिद्वार छोड़ के लक्ष्मण झूला राम झूला वो जो है आगे, फिर उसका आगे सहस्र धारा वहाँ जाके बैठ गया। कैसे, एक सौ कुटिया बनाया फूस पाता का, फूस पाता जानते हो, फूस पत्ता सब देके कुटिया बनाया, और कुटिया में बैठ के भजन शुरू किया। विदुर जी महाराज पीछे पीछे चलते रहे, कहीं उल्टा रास्ता तो नहीं जा रहा है, हम देखे थोड़ा गाइड करे, पीछे पीछे चलते रहे, और वहाँ जाके क्या की, धृतराष्ट्र ल कुटिया बनाया, कुटिया का अंदर बैठ गया। और विदुर जी महाराज का उपदेश है, गुरु गुरु कौन है, अंदर धृतराष्ट्र जो भजन शुरू किया, गुरु कौन है, कौन है गुरु, विदुर जी महाराज, विदुर जी महाराज गुरु है, तो विदुर जी महाराज जिसका गुरु है उसका भजन तो हो ही होगा, तो बैठा दिया। और भजन करते करते शरीर के अंदर में जो अग्नि है योग का प्रसिद्ध, और यहाँ मूलाधार है, सब आस्ते आस्ते अग्नि को इकट्ठा करके धीरे धीरे चढ़ाया, चढ़ाते चढ़ाते बहुत सात दिन का अंदर मस्तक ब्रह्मानंद भेद करके अग्नि प्रज्वलित हो गया, और महाराज अंध धृतराष्ट्र का शरीर जल के खाक हो गया, और कुटिया का सहित कुटिया भी जल गया। और इतने में जो गांधारी मैया वो बोले स्वामी जा रहा है, तो पतिव्रता रमणी वो भी उसमें अपना शरीर को छोड़ दी। विदुर जी महाराज दूर से देखा तो ऊपर से ऐसा किया, प्रसन्न हुआ, ठाकुर जी जा इसका गति अच्छा, अंतिम में जो भी है ऐसा करके, तो जो है धीरे धीरे इधर एक बात हुआ, ये तो रात को ही चले गए, रात को ही चले गए थे जिस दिन का बात हम पहले बोला, अब तो सात दिन हो गया भजन किया, वो तो बहुत, जब चले गए उसी दिन नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब युधिष्ठिर महाराज जी दंडवत करने के लिए सुबह के टाइम में घुसा घर में, घुस के देखा कोई नहीं है, कोई नहीं है, ना धृतराष्ट्र जी है ना गांधारी मैया है, कोई नहीं है,
तो रोना शुरू कर दिए फूट फूट के। अरे हम जैसा पाखंडी है, हम इतना कष्ट दिया, कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन वैष्णव है ना, ऐसा विनम्र भाव है, जरूर हमने कोई कष्ट दिया होगा, नहीं तो हमारा इतना, हमारा इधर सब छोड़ के कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। रोना शुरू कर दिए, इतना रोए, इतना रोया, मत पूछो, विषण हो गए कि जरूर हमारा व्यवहार से, हमारा आचरण से, हमारा व्यवहार से रुष्ट होकर हमको छोड़कर चले गए। और शायद गंगा तो निकट है, गंगा तो, गंगा जी का किनारे ही हस्तिनापुर जो गए हुए हैं वो जानते हैं, शायद गंगा में जाके छलांग लगाए, ये हम जिम्मेदारी है हमारा लिए, हम आदर नहीं किया, बहुत आदर किया, फिर वैष्णव है ना, और शायद हम गलती किया। ऐसा करते करते क्या किया, इतना रोया, इतना रोया, रोते रोते पागल हो गया। उस समय में क्या हुआ, उसी समय में क्या हुआ, ऊपर से नारद जी आ गया, नारद जी आ गया ऊपर से, नारद जी आके जब नारद जी आए तो धृतराष्ट्र जी महाराज वंदना किया, रोते रहे, बोले महाराज हुआ क्या, आप रोते क्यों हो, क्या हुआ क्या, सब जानते हैं, फिर भी पूछा क्या हुआ, रोते क्यों हो राजन, बोले और मत पूछो, ऐसा हुआ हमको छोड़ के, हम पखंडी, हमको छोड़ के चला गया, पितिब्बो जो है हमको छोड़ के चला गया, अब कहाँ गिरा होगा, हम छोड़ के उसका कोई नहीं है सहारा, आंखों में देखता भी नहीं है, माता जी भी पट्टी बांध के रखी, अब दोनों कहाँ गया, गंगा में छलांग लगाया कि क्या हुआ, अब उफ रोना शुरू कर दी। तो नारद जी महाराज बोले राजन रोना धोना बंद करो। बोले महाराज रोना धोना बंद करेंगे, तुम क्या सोचते हो, तुम सोचते हो कि तुम रक्षा करने वाला तुम हो। नारद जी महाराज पूछे आंखों में देखता नहीं, फलाना है फलाना है, क्या तुम रक्षा करने वाला हो, हैं, इस दुनिया में कौन किसी को रक्षा करता है, बोलो, स्वामी स्त्री को रक्षा करता है, स्वामी स्त्री, स्त्री स्वामी को, कौन किसको रक्षा करता है। जब का बारी आए तब चल दिए, जब का बारी आए, जब 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 जिसका बारी आए तो चल दिए, है ना। हमारा गुरुवर्ग ने एक सुंदर उदाहरण देता है, प्रभुपाद जी ने बोला, बोले ट्रेन की कमरा, एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन में हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आप, आपका टिकट है अप टू पटना, मेरा टिकट है अप टू हावड़ा, और जब पटना रास्ते में दिल्ली से चढ़ा, बड़ा भारी प्रेम हो गया, खाना लेना देना, बहुत सब दुख सुख की बातें, और मानो कि ये 12 घंटा 14 घंटा में इतना दोस्ती हो गया, को चले जाए तो बड़ा दुख होता है। महाराज फोन ले लेते हैं, ठिकाना ले लेते हैं सब, और बात हुआ जब पटना आ गया, पटना वाले को उतरना पड़ेगा, और आपका जो हावड़ा आ जाएगा उतर जाओगे। ऐसा ही जीवन यात्रा है, यात्रा है जो जीवन यात्रा, अब यात्रे में हो, जब आपका बारी आए तो आप उतर जाओ, आपका हो गया टिकट खत्म, पटना तक टिकट है, जिसका टिकट जब खत्म हो जाए वो निकलो ट्रेन का यात्री। ये जिंदगी को ऐसा करके समझो तो उसमें कभी दुख नहीं आएगा, यही समझो, उसका टाइम हुआ चला गया, रोने धोने का क्या चक्कर है क्यों। तो ऐसा ही ये नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को, रोना धोना बंद करो, तुम क्या सोचते हो, आंखों में नहीं देखता है कि हम छोड़ के कौन है, उसका सहारा कोई नहीं है, कहाँ गया होगा, रुको, कौन किसको सहारा है, किसका सहारा है, कौन, सब अपना अपना ठाकुर जी है, ठाकुर जी है ना, एक उदाहरण दे दे, बस जंगल में इतना सारे पक्षी पास, इतना सारे पंछी है, इतना सारे जानवर है, कौन खाना देता है, हैं, तुलसीदास जी भी ऐसा बोला ना, अजगर ना करे चक्री नौकरी, पंछी ना करे काम, सबकी दाता राम, राम सब खिला रहे। बोलो एक छोटा सा पंछी है, चातक बोलता है बांग्ला में, वो ऊपर से पानी गिरेगा तब
उसको पान करे। इतना पानी है जगत में, तेरा पानी का कमी है क्या? सात समुंदर है, इतना नदी है, फिल्टर पानी चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन वो नहीं पिए। कौन सी पानी चाहिए? ऊपर से ठाकुर जी टप करके फेंके और पानी को फटीक जल बोल के चिल्लाते रहते हैं। छोटा सा पाची, आप सोचो, हैरान की बात है, वो पाची देखने में इतना है और उसका मुंह कैसा है, उसका अपर्चर कैसा है, इतना उसमें ठाकुर जी एकदम मुख पे पानी देता है। तो ठाकुर जी के कितना करुणा है, सबका पालन पोषण कौन करे? ठाकुर जी करे, ठाकुर जी करे ना, ठाकुर जी तो करे। बोले हमने देखा खड़गपुर स्टेशन पे एक दफे हम खड़ा है खड़गपुर स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, खड़गपुर स्टेशन पे हम खड़ा हुआ, बहुत दिन पहले का, आज से तीस बत्तीस साल। अब हम खड़ा हुआ है, अब देखा एक मैया अपना दूध पीता बच्चा को ये चाय खरीदा चाय का दुकान से, और जो पावरोटी है, पावरोटी जानते हो, पावरोटी को चाय में भिगाया, भिगा के उसको एकदम पेस्ट किया करके बच्चा का मुख में दे रहा है। हम देखे हमारा आंसू आ गया, तो बच्चा तो दूध पीता बच्चा है, अब क्या करे, गरीब है, उसको पिला रहा है, खिला रहा है। हम तब विचार किया, देखो जिसका जो तकदीर है वही मिलेगा। अब हमने अपना जिंदगी में देखा, वो तो IIT खड़गपुर में जाते थे तब, उस समय में देखा ये, और एक दफे देखा एक कंपनी का बड़ा डायरेक्टर है, खोखा बाबू उसका नाम है, फॉरेन में जाते रहते हैं, एक मेडिसिन कंपनी का बड़ा डायरेक्टर है, उसका घर में अलीपुर में उसका घर है कलकत्ता, उसका घर में 6-7 कुत्ता है, 6-7 कुत्ता, और 6-7 कुत्ता फॉरेन का कुत्ता है, एक एक कुत्ता के लिए एक एक कमरा है, एक कुत्ता 10 डिग्री में ठीक रहेगा, 10 डिग्री टेम्परेचर उसका लिए एसी है, 10 डिग्री मेंटेन कर रहा है, ये कुत्ता 5 डिग्री, ये टुकड़ा, एक कुत्ता 18 डिग्री में ठीक रहे, ऐसा करके कंडीशन है रूम, और खाना पीना उसके लिए ट्रेनर मास्टर है, तनख्वाह देके हम सोचते रह गए भाई, उसका लिए मालिश है, कैसे वो ऑयल को लगाए नहा, उसका लिए आदमी है, सब नर्स है, सब है। हम बोला ठाकुर जी हैरान की बात है, एक बच्चा को एक आदमी को नहीं मिलता, इतना भोग है, इतना जो केयर है, कुत्ता को मिल रहा है। बोले हमारा ऐसा ही दुनिया है, तो कुत्ता का तकदीर में ऐसा ही है, ये कुत्ता का तकदीर ही ऐसा है, उसको इसका घर में आना है और इतना सारे एंजॉयमेंट करना है, खाना पीना भोजन मेडिसिन आदि सब इसका तकदीर में लिखा। और एक घटना 35 साल का पहले का, हम एक दिन बड़ा बाजार में किस कारण गया, तो वहाँ हमारा गुजराती दोस्त है, उसका एक पिताजी कह रहे कि बाबू देखो क्या अखबार में क्या आया न्यूज़। क्या न्यूज़ आया? बोले पढ़ के तो देखो। पढ़ के देखे, इंग्लैंड का एक सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, वो क्या किया, उसका कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन मतलब किसी का साथ कोई रिश्ता नहीं है, उन्होंने उसका करोड़ों संपत्ति, सबसे बड़ा धनी है, उन्होंने अपना जितना सारे संपत्ति है एक अपना पेट डॉग कुत्ता का नाम पे लिख दिया, कुत्ता का नाम पे लिख दिया। और नवीन जी महाराज, नवीन जी जो है, नवीन आर मोदी उसका नाम है, नवीन जी कह रहे हैं कि देखो बाबू क्या बात है, कुत्ता का नाम पे इतना करोड़ों संपत्ति लिख दिया। हमारे महाराज इसमें गलती क्या है, जिसने कुत्ता का नाम पे इतना बड़ा जायदाद लिख दिया है। हम बोला नवीन जी ये तो आश्चर्य नहीं, हमको ये आश्चर्य लग रहा है, हमको तो इस बात का आश्चर्य लग रहा है, जिन्होंने कुत्ता का नाम पे इतना बड़ा जायदाद संपत्ति लिख दिया, ना जाने वो कितना बड़ा कुत्ता, खून सबसे बड़ा कुत्ता तो वो है जो कुत्ता का नाम पे लिख दिया, कोई यार एप्लीकेशन नहीं मिला, कितना सारे धन संपत्ति देने का, वो सबसे बड़ा कुत्ता, माने हो सकता कि पहले जन्म में ये कुत्ता था, ये मालिक था, ये दिया था, उसका फल चुका रहा है। जा
मिट गया। ऐसा है कि दुनिया अजब है। तो नारद जी महाराज बोले, महाराज मत रोना धोना बंद करो, कोई किसी का रक्षा करने वाला नहीं है। ये तो कहने का बात कह देते हैं, असली बात तो ये है कि कोई किसी का रक्षा करने वाला है नहीं। जब युधिष्ठिर महाराज रोए, नाहं वेदो गतिं पित्रोर भवान को गतो वितो अम्बाबा हतो पुत्वार्था क्वा ग्वता च तपस्विनी। तपस्विनी गांधारी माँ वो कहाँ चली गई, और नाहम वेद गतिम पित्रोड, पिता माता दो है ना, इसलिए द्विवचन यूज किया, नाहम वेद गतिम पित्रोड भगवान क गतोवितो, द्विवचन है इसलिए गतोवितो, अम्बाबा हतो पुत्वार्था क गता तपस्विनी, तपस्विनी मैया गांधारी कहाँ चले गई। ऐसा कहते के रोए। उसका बाद नारद जी बोला, मा कंचन सुचो राजन जगदीश्वर जगदीश्वर वसम जगत, मा कंचन सुचो राजन जगदीश्वर वसम जगत, जगदीश जो है जगत के ईश्वर जगन्नाथ है, इसी के बस में है जगत, तुम्हारा बस में नहीं है, तुम रक्षा करोगे पालन करोगे, कहाँ गया रोना धोना बंद करो। लोकहा सपाला जस्से में बहंती बलिमीशु तुम, जिसका कारण जिसका खातिर ये ठाकुर जी जगन्नाथ जगदीश्वर, इसके आदेश पालन करने के लिए सारे तमाम नौकरगिरी कर रहा है, सारे बलिम बलिमीशु तुम, सारे जो काम में लगे हुए हैं, पवन वायु दे रहा है, जल देवता वरुण देवता जल दे रहा है, अग्नि देवता आग दे रहा है, सूरज ताप दे रहा है, चंद्रमा खिल रहा है, औषधि को अमृत दे रहा है। चंद्रमा क्या देता है, औषधि देता है, चंद्रमा नहीं तो होता है, होगा नहीं ना, सूरज तो ताप देता है लेकिन चंद्रमा रात का टाइम में अमृत देता है, जो अमृत औषधि जो है धान चाल उसमें अमृत डालता है, इतना सारे औषधि है, जितना सारे सब औषधि में ये चंद्रमा का अमृत जाता है सारे। और नारद जी महाराज बोले तो ये बंद करो, संयुक्ति भूतानी सौ एव बिजुनोक्ति च। सुबह में बताया था समुन्दर में घूमने गए तो देखे एक बालू का दूसरे का साथ मिले हुए है, अभी हवा का एक झोंका आया, ये बाली का जो टुकड़ा है दूसरे का साथ मिला हुआ था, फूं से एक हवा का झोंका आया, ये बाली कहाँ गया, वो बाली कहाँ गया। ये उदाहरण दिया, ठाकुर जी का जो माया है इसके द्वारा सब चल रहा है, सब मूविंग अवस्था में, ये हवा का धक्का आया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, चला गया। महाराज हमने देखा आश्चर्य होके, जब हम बचपन था, जो 7-8 में पढ़ता था बच्चा, एक न्यूज हमको दिखाया, हम बच्चा समय था, हम घबरा गया, भले एक ही दिन में एक मैया का 3 बच्चा एक साथ गुजर गया, कैसे, बड़ा आश्चर्य की बात है। एक मैया का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट कौन सी जगह भूल गया मैं, समुन्दर का आसपास कुछ होगा, हम भूल गया अभी याद नहीं है उतना, लेकिन घटना को हम सुना दे को आपको अकेला आ जाए, ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को, एक मैया का 3 बच्चा एक साथ चला गया, कैसे, अखबार में न्यूज आया था, भले बड़े बच्चा जो है उसका उम्र है शायद 8 साल होगा, 7-8 साल, उसका नीचे का बच्चा 6 साल होगा, 2-1 साल आ जाओ, उसका नीचे का बच्चा एकदम मासूम बच्चा है, कुल गद्दी में है। अब मैया ने उस बच्चा को बच्चा वो जो बच्चा है बच्चा को नहाने के लिए छत पर छत का ऊपर चढ़ गई, जाके वहाँ जो पानी था सूरज सनलाइट में जो थोड़ा हॉट हो जाए उसमें बच्चा को नहलाए तो अच्छा है, नहाने के लिए ऊपर चढ़ा और बच्चा को इतना बड़ा डब्बा लिया, डब्बा में बच्चा को बैठा है और नहा रहा है। इतने में नीचे एक घटना हुआ, बड़ा बच्चा जो है, बड़ा बच्चा वो जो उसका जो भाई है, भाई को बोलो चल हम लोग काली काली खे काली जी को पूजा करें चल, अब जाके काली जी का फोटो है, फोटो रखा, बोले पूजा करे चल, अब पूजा तो हुआ लेकिन काली जी के सामने तो बोल ही देना चाहिए,
अब बोली तो हुआ नहीं, अब तो पूजा हुआ नहीं ठीक, चल एक काम करे करके एक खर लाया, खर खर लाके बच्चा वो भाई को बोलो भाई तू एक काम कर, खेला है ना तू एक काम कर नीचे हो जा तेरे को बोली दे दे, ऐसा करके खेल रहा। और वो जो खर है खर को लेके ऐसा ऐसा घिसा और काट के एकदम गला, इतना शार्प था खून निकालना शुरू किया। अब बड़े भाई तू घबरा गया, किया हम तो खेलने के लिए किया था, एक कैसा हो गया काली मैया के सामने। और बच्चा जो है वो जो बड़ा बच्चा, छोटा तो मर गया, अब जो मजेरा है तो मर गया, गला कट गया, वो खून निकालने मर गया। और ये बच्चा जो है बड़ा बच्चा चिल्लाते चिल्लाते ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, माँ चिल्लाना देखे उसका आंखें क्या हुआ ऐसा दिखा, देखो नीचे देखा वो उसका भाई जो है खून का एकदम बाढ़ चल रहा है। और मैया ने उसका और काली जी का मापिक देखा, बड़ा भैया का जो ऊपर गया, वो सोचा कि मैया हमको मार डाले, मार डालेगी, ऐसा करके पीछे चलना शुरू कर, मैया आ रहे ऐसा करके, वो डर के मारे छत का नीचे गिर के बच्चा मर गया। और यहाँ जो बच्चा है जिसको नहा रहा था डब्बा में, वो बच्चा पानी खाते 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 डब्बा में मर गया। हैरान हम तो सुन के बोला वाह कैसा चीज है। क्यों इस घटना को बोला कि आपका दिल्ली में आपका जिंदगी में थोड़ा अकेल हो जाए, आपका जिंदगी थोड़ा अकेल हो जाए कि जिंदगी में कुछ रखा नहीं, जब भी हो चले जाए, ठाकुर जी का भजन छोड़ के और कुछ है ही नहीं रास्ता, कोई अल्टरनेटिव रास्ता है तो दिखाओ मेरे को, किसी का हिम्मत है दिखा, ठाकुर जी का भजन छोड़ के कोई दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, जिंदगी जो इतना अनसर्टेन है तो आप खेल रहे हो, लाइफ इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग, जिंदगी जा रहा है आप खेल रहे हो, ऐसा सोचो। और इधर ही बोला नारद जी ये जो सौ संजुनोक्ति भूतानी सौ एवो बीजोनोक्ति च, ईश्वर का बस में है जगन्नाथ जो जगदीश्वर, जगदीश्वर का बस में है पूरा जगत, ऐसा करके चलाता है अनंत ब्रह्मांड। जैसे चैतन्य चरितामृत में सनातन गोसाई को महाप्रभु शिक्षा देने के टाइम में बताया, सनातन ये बिरोजा का पानी में अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांड, ये पानी के एकदम उर, जैसे महाप्रभु उदाहरण दिए जैसे खिड़की का छोटा सा एक पोर्शन खुला हुआ है, पूरा खिड़की खुला नहीं छोटा सा, इसमें से सूरज का जो रस्सी है आ रहा है अंदर, और उसमें देखो अंधेरा घर अगर है तो उसमें देखो करोड़ों करोड़ों धूला पूरा है ना, देखा ना सूरज का बीम ऑफ लाइट कमिंग इनटू योर रूम, तुम्हारा घर में जो लाइट का बीम आ रहा है उसमें देखो हजारों हजारों सब करोड़ों करोड़ों धूली उड़ रहा है। महाप्रभु इसका उदाहरण दिया जे अनंत ब्रह्मांडो ठाकुर जी का इच्छा से उड़ रहा है दूल्हा का मापी, कहाँ तुम हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा क्या आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, इतना अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांड है। और शेष नाग जो पृथ्वी को पकड़ के रखे, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है जो ये शेष नाग जी का शेष भगवान का सर पर जो पृथ्वी है, शेष नाग को पता नहीं चलता क्या है, जैसे एक सरसों का दाना आपका माथा में रख दे को पता चलेगा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनंत ब्रह्मांड को सूरज तारा चांद सितारे सब अनंत जी पकड़ के रहे, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, कौन पकड़ के रखा है बोलो, साइंटिस्ट लोग क्या उत्तर देगा है? वो तो जो उत्तर देगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी है अभी देखो सौ संजुनोक्ति, ये ठाकुर जी का कृपा से किसी का साथ किसी का मिलन हो जाता, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पोता पोती लड़का है, सब ठीक है, ये हम मानते हैं, वो झूठा नहीं है, बट फॉर हाउ लॉन्ग, कितना दिन के लिए, ये तो सोचो, कितना हम आंखों का सामने देखा, जगन्नाथ मंदिर में आज 4 साल पहले मेरा प्रवचन दो बार हुआ, कम से कम 2-3 बार, ये भागवत कथा पूरा पुरुषोत्तम व्रतों का, जगन्नाथ मंदिर चैतन्य गौरी मठ अभी सेवा कर रहे हैं, वहाँ सिद्ध मंदिर है, वहाँ एक बेटिया रानी आती थी हरिकथा, बहुत सारे आदमी, वो एक दफे आके हमारा पास
जब कथा खत्म तब तो मौन व्रत को ओपन किया, खोला, जबान खोला, तो आके अंतिम दिन में सब दंडवत किया। हम हमारे पास दंडवत किए, बोला आज महाराज आशीर्वाद करो, हम एक काम करो, स्त्री जाति को बिल्कुल अकेला रहना नियम नहीं है, शादी कर लो अच्छा जगह। तो रो पड़ी और बोले महाराज शादी का जो इंटरेस्ट है हम देख लिया। वो कैसे? बोले हमारा शादी हुआ था, शादी का 6 महीने का अंदर हमारा स्वामी का डेथ हो गया, गाड़ी से गिर पड़ा और स्पॉट डेथ। उस 6 महीने का अंदर हम संसार का जो चेहरा है हम देख लिया, हमारा शादी करने का इच्छा नहीं है, अब आशीर्वाद करो कि हम भजन कर सके, संसार का जो स्वरूप है हम देख लिया। आप सोचो क्या बात है, 6 महीना के लिए वो स्वामी माना था, 6 महीने के लिए तो माना था, कितना दिन के लिए, 6 महीना शादी हुआ 6 महीने के लिए, 6 महीना का पहले तो उसको स्वामी नहीं माना था, मानी थी, बस 6 महीने का धन, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया ठाकुर जी का। जिसका साथ जिसका संबंध जितना दिन के लिए लिखा हुआ है उतना दिन के लिए होगा, और एक दिन ज्यादा भी नहीं होगा, एक दिन कम भी नहीं होगा, ये समझ के रखना। यथा गावो नसी प्रोतास स्तंत्रा वध्याश्च दाम भी वाको तंत्राम नाम भीर वध्या वहंती बहंती बहंती बलिमीश तू। जैसे गो जैसे जैसे ये जैसे बैल को क्या करता है, या फोड़ के नाक को फोड़ देता है, रस्सी को बांध देते हैं, बांध के वो बैल को क्या घुमाता है जहां ले जाए चले। पहले तो तेल को जो तेल का जो देश जो ग्राइंडिंग मशीन आजकल तो हो गया, पहले जो तेल सरसों का तेल तिल तेल सब ऐसा करके घानी है, घानी में बीच में घानी है और सब दे दिया और उसको घुमा है उसको घुमा है उसको घुमा है और पीसते चले पीसते चले पीसते चले। सुंदर है ना, एक सुंदर उदाहरण है। एक महात्मा ने एक जगह गांव का शहर नहीं है गांव है, भिक्षा करने के लिए एक दिन गए और भिक्षा करने के लिए गए, उसका लड़का भी गया, नाम बोलना दरकार नहीं है, नाम बोला के फायदा नहीं है, घटना हमको चाहिए। तो बड़ा मशहूर है वो साधु दूसरा संप्रदाय का, भिक्षा करने के लिए गया, देखिए एक मैया वो जाती है ना उसमें डावल जो है डाल जानते हो जाती में घुमा पिसाई करे और वो डाल जो है डाल एकदम डाल तैरी हो रहा है, और जो बाबा है बाबा तो एकदम माथा में हाथ दिए बोल रहा है हाय बेटा देख क्या हालत है, बेचारा डाल का जो दाना है उसका क्या हालत है, पिस पिस के कहाँ जा रहा है, कितना हालत है। मतलब कहने का मतलब है सारे जीव जो है माया का जो जो उत्खल है उदखल में उदखल बोला जाता है, माया का उदखल में पिसाई होते होते कितना कष्ट भोग रहा है, हाय हाय रे बोल रोना शुरू कर दिया। और बेटा ने बोला बाबा आपने तो ध्यान नहीं दिया, ध्यान से देखो जो डाल है जो चाल है जो जो बीच का जो खंभा है उसका उसको लेके तो घुमाता है उसका एकदम चिपक के रहा उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा बात समझा, सेंट्रल पिवोटेड पॉइंट जो है उसमें जो डाल और चाल जिसको पिसाई कर रहा है वो जो एकदम उसका जो बीच वाला जो डंडा है डंडा का सब एकदम करीब करीब एकदम लग के रखा लग के अपने को रखा है उसका कुछ नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या है, बेटा ने बोला पिताजी अब रो क्यों रहे हो, सब जीवात्मा तो क्या ऐसा हालत है लेकिन जो जीवात्मा भगवान गुरु वैष्णव को पकड़ के रखे उसका तो कुछ होगा नहीं, समझा मेरा बात, बीज वाला जो डंडा है उसका एकदम एडजेसेंट एरिया जो है उसमें जो डाल चाल है उसका कुछ नहीं हो रहा, क्यों? भले लड़का बोला इसका कारण है जैसे साधु गुरु भगवान वैष्णव को पकड़ के रखो तो संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, पिसाई क्या करेगा। बड़ा सुंदर कहानी, ऐसा करके जो कथा कीर्तन ठाकुर जी को पकड़ के रखे संत महात्मा को उसको माया कुछ नहीं बिगड़ पाएगा कुछ नहीं कर पाएगा, पाएगा कुछ नहीं कर पाएगा, इसका उदाहरण दिया। तो बोला देखो जैसे बोलचेन गावो
जैसे नाक फोड़कर बलद को घुमाया जाए, कुछ भी कराया जाए तो अस्वतंत्र, वो तो स्वतंत्र नहीं है। जहां रस्सी को खींचो नाक खींचो तो जाएगा ही। यहां अभी सुंदर प्रसंग आता है, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि इसको याद करने वाला बहुत दिन जन्म, ये पूरा जन्म याद रखने वाला बात है, भूलना नहीं इस बात को। क्या बात है? काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिक, काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक, काल कर्मो और गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक, कथम अन्यांस्तु गोपायत सर्पगोष्ठ जया परम। भले काल कर्मो गुणाधीन है ना, ऐसा जो जन्म हुआ है, किसी प्राणी का जन्म होता है, किसी प्राणी का, किसी प्राणी का कुछ भी, किसी प्राणी का जन्म होए तो वो अपना किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए, ये स्थूल शरीर जो है ये अपना सुख दुख पहले किया हुआ जो रिजल्ट है, जैसे अकाउंटेंसी जो करता है ना उसको बैलेंस शीट उठता है, जो अकाउंटेंसी करते हैं बैलेंस, इसमें क्या है बैलेंस करके बोले जो एक्स्ट्रा हो गया उसको इधर कर दे, एक्स्ट्रा होता है ना प्लाज्मा है डायना वाला कलम, उसको बैलेंस शीट बोलता है, फाइनल बैलेंस शीट जब करोगे तो प्लस माइनस करके बोलो कितना घाटा जा रहा है बिजनेस हैं, करोगे ना, तो ऐसा ही है आपका पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म फल है और इसी जन्म में जो कर्म कर रहे हो इसका प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होने का बाद जो रह जाएगा, जो प्लस माइनस करने का बाद वो आपका आत्मा का संग दूसरा जन्म में फॉलो करेगा। आई बात समझ में? दूसरे जो जन्म में, ये जन्म का बाद अगर सिद्धि नहीं हुई तो इसी जन्म में ठाकुर जी हमको मिल जाए तो कोई बात नहीं, अगर ना हुए भजन अगर सही ढंग से हुआ नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा, और जो भजन नहीं किया तो उसका तो बहुत डेंजरस है, जो थोड़ा बहुत भजन किया है तो ठाकुर जी बोला उसका कोई चिंता नहीं, वो तो हम व्यवस्था उसको कर देंगे, पिछले जन्म में जितना भजन किया है और इस जन्म में उससे आगे बढ़ेंगे, बोला ना भगवान गीता में बोल दिया। लेकिन जो भजन नहीं किए हैं उसका लिए क्या है? बोले वो ऐसा है कि इसी जन्म का, पहले जन्म का किए हुए कर्म इस जन्म का क्रिया वो तुम्हारा मत का टाइम पे प्लस माइनस होगा, और जो ड्यू रह जाएगा जो बैलेंस वो तुम्हारा साथ पीछा करेगा, आत्मा का साथ पीछा करेगा, जिसको वेदांतों में शास्त्रों में बोला गया, इसको बोला है कारण शरीर, इसका नाम है कारण शरीर। कारण शरीर क्यों? इसका नाम ही ऐसा है, नाम क्या है? इसका नाम है कारण शरीर, जो तुम्हारा अगले जन्म के लिए तुमको मजबूर कर देगा, अगले जन्म में आपका साथ जाए इसका नाम कारण शरीर। कारण शरीर में जितना सारे किए हुए कर्म का फल रहता है, और फिर मोटा शरीर पकड़ोगे, चाहे आदमी का, चाहे घोड़े का, कुत्ता का, जो भी मिले, फिर उसका बाद आपका प्लस माइनस होगा, फिर नेक्स्ट जैसे पंचम स्कंद में आएगा जर भरत जी महाराज, उसका भजन पक्का नहीं हुआ, हरिन जन्म मिल गया, भरत महाराज पूरा तमाम दुनिया का अधिश्य राजा है, भरत महाराज का भजन सिद्धि नहीं हुई तो क्या की, क्या अवस्था हुआ बाद में? हरिन जन्म मिला, जंग जंग बाओपी शरणम भावम तैजती अंत कलेवरम, तो ये फॉर्मूला का अनुसार हरिन जन्म मिला, हरिन जन्म के बाद फिर से भजन, फिर वो शरीर छोड़ दिया। इस प्रसंग आएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग हो, इसके बाद वो चुप हो गया, मौन उदाहरण किया, संत महात्मा लोगों का मौन उदाहरण का जो चालाकी है किस लिए, बोले आजे बाजे फालतू बात करेगा आदमी, वो भजन में रहे बाबा मौन है, अरे मौन के कैसा मौन है, हरि कथा बोलते रहे लेकिन मौन है, बातें नहीं करेंगे, क्यों आलतू बात करेगा, हमारा फूफा जी आएगा और बुआ जी आएगा, सब ऐसा बोलते रहेगा हैं, उल्टा पलटा। तो ऐसा है कि काल कर्म गुणाधीन देहो अयम पांच भौतिक, पांच भौतिक देहो पकड़ के बैठे हुए वो, और कथम अन्यांगस्तु गोपायेत
सर्पज्ञ सुजया अपरम। जैसे सांप आधा निगल के रखा है, हमने खुद देखा मायापुर में एक दफे बरसात का मौसम था, एक सांप ने देखा नाट्टू मंदिर का अगल बगल में एक सांप एक बैंक जो है वो जो उसको पकड़ा फोक फोक बैंक पकड़ के आधा गिल आधा निगल लिया, पूरा निगल नहीं सकता किंतु बैंक बड़ा है और सांप छोटा है। आम सामने गया और भक्त लोग महाराज सामने मत जाओ, हम कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका मुख में तो बैंक, अब क्या करे कुछ नहीं करा है। हमारा आंखों का सामने देगा कितना टाइम पर बैंक को पकड़ के रखा, बैंक को पकड़ के रखा एकदम दांत देखे तो धीरे धीरे बैंक जो मर गया धीरे धीरे तब उसको निकाल लिया। ये सारे जो संसार है सारे जितना प्राणी हैं सबको जो महाकाल जो है महाकाल रूपी जो सर्प है आधा निकल के रखा है, आधा निकल के रखा है अब पूरा निकल के थोड़ा सा टाइम चाहिए, कोई ठिकाना नहीं कब निकाल ले, आधा निकल के रखा है ये सोच लो। जन्म मृत्यु बतांग बीड़ो देहिनो सहो जायते, व्हेन यू टुक बर्थ जब जन्म हुआ था मौत को लेके ही जन्म हुआ था, यह आप भूल जाते हो मौत को लेके जन्म हुआ ना, जब जन्म हुआ था आपका मौत आपका तब से आपका पीछा कर रहा है, पीछे कर कहां तक तो भागोगे, भागते भागते एकदम मुश्किल है। जब जन्म हुआ था किसी भी प्राणी मौत आपका पीछे पीछे पीछा कर रहा है, अब कहां तक भागोगे, जब ठाकुर जी का शरण में जाओगे तब मौत आपका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा, मत का ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकोगे। ध्रुव महाराज का प्रसंग है, ध्रुव महाराज जब नित्य धाम को जा रहे हैं विमान आ गया, नित्य धाम इसी समय क्या हुआ, एक बड़ा भाई भयंकर रूपी आके बोले ए कहां जा रहे हो, ध्रुव महाराज को पूछा, ध्रुव महाराज विमान आ गया हम जा रहे हैं, हमको अतिक्रम करके कोई नहीं जा सकता। ध्रुव महाराज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है परिचय क्या है, तुम इतना हमारा सामने ये दिखाने के लिए आए हो पावर दिखाने के लिए आए हो, नाम क्या है तुम्हारा परिचय क्या है, बोले मेरा नाम मौत है, मेरा नाम मौत, मेरे को उल्लंघन करके आज तक कोई जा नहीं सका, ये मर्त्य धाम है, मर्त्य धाम किसके नाम हुआ, यू विल हैव टू डाई, इट्स ए मास्ट, देयर इज नो सोल्यूशन, मौत का कोई सोल्यूशन निकला दिखाओ, कोई समाधान निकालो, कोई समाधान है ही नहीं निकलेगा कैसे, जाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब टाइम आए। तो ये जो है सांप जैसा आधा निगल के रखा है अब पूरा निगलने का टाइम जो है अब कब निकाल ले कुछ ठिकाना है, पूरा जब आपका जन्म हुआ था मत भी सांग में साथ आया और पीछा कर रहे हैं, अब जब तक आप जियोगे तो जियोगे और संकीर्तन के द्वारा हरि कथा के द्वारा जियोगे। तो हम भागवत का महिमा में ये बात को खोला था, याद है किसी को, जमराज जी कह रहे हैं अपना जो पार्षद है जमदूत, ए जब जब ये धरती पर जा रहा है पृथ्वी पे जब जो हरि कथा कीर्तन में लगे हुए उसके पास बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना, बोले क्यों, बोले प्रभु अहम अन्न नीनाम न वैष्णवानम, वैष्णवों का हम मालिक नहीं है, परिहरो भगवत कथा सुमत्यानो, भगवत कथा में जो डूबे हुए हैं हरि कथा कीर्तन में परिहरो भगवत कथासु मर्तानो, कथासु कथाते सप्तमी विभक्ति हैं, कथा में जो डूबे हुए हैं उसके बाद बिल्कुल मत जाना, मत्यानो बहुवजन मत्यानो जो मत मस्त रहते साधु गुरु वैष्णव हरे कृष्ण हरे, हर वक्त चलते रहते चाहे मौनो रहे कि चिल्लाए कुछ भी करे, हर वक्त उसका अंदर में हर वक्त संत महात्मा का अंदर में हृदय में संकीर्तन का कोई छेद नहीं है, कौन कंटिन्यूअसली। साधु का महिमा ये है कि खाए पिए सोए कुछ भी करे
जैसी भी अवस्था में रहे, हर वक्त संकीर्तन का कोई छेद नहीं है। छेद है, हमने गुरुजी को देखा शिल परमहंस श्रेष्ठ से भक्तिपूर्ण पूर्व से मार, रात का टाइम में हमको सेवा दिया गया गुरुजी के सामने, तू रहना ठीक है रह जाएगा। और रहते थे महाराज, गुरुजी सोते हैं, अरे कैसा सोना है, सोते हैं, वृद्ध है, 100 साल का ऊपर उम्र है, 100 साल उम्र है, कई दिन हम देखा वो सोए हुए हैं, लेकिन जवान जो है नित्य कर रहे हैं, जवान जो है 100 साल का उम्र है, जवान जो है नित्य कर रहे हैं। बोले ऐसा कैसा सोना है, दिखने में लगता है सोने सोए हुए है गुरु जी, लेकिन जवान जो है नच रहा है हर वक्त, पूरा जिंदगी तक कोई बीमार नहीं था, कोई बीमार। एक जाने का टाइम पे एक बहाना बनाया, जाने का टाइम पे पूरा जिंदगी 100 साल तक कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी, और जाने का टाइम पे एक छोटा सा बहाना बनाया। पूरी धाम में बारिश हो रहा था, हवा चल रहा था ठंडी, उसमें ब्रोंकाइटिस जैसा थोड़ा बहुत हो गया, बस उसी को लेके थोड़ा बहाना बनाया, असुस्थ का लीला किया, असुस्थ अवस्था में भी बाहरी दृष्टि में अनकॉन्सियस अवस्था में है, लेकिन अंतर में माला चल, माला हाथ में नहीं है, माला हाथ में नहीं है, माला चल रहा, हाथ में माला नहीं है। नार्स लोग अबाक हो गए, बोले क्या बात है, हाथ में तो कुछ नहीं है, बोले इसका अभ्यास पड़ गया, नाम कर रहे चल रहा है नाम, ऐसा अभ्यास बनाओ कि मरते दम तक ठाकुर जी का नाम जो है नाम मीठे दिल से, ठाकुर जी का कथा है, ठाकुर जी का कीर्तन है, दिल से ना जाए, ऐसा आदत में, ऐसा आदत हो जाए तो अच्छा है। तो जो भी है ऐसा करते करते क्या हुआ, भले उपदेश दिया और अंतिम में ये नारद जी बोले देखो आपका वो जो अंध धृतराष्ट्र जी जो है इसको ढूंढने के लिए मत जाओ, इसके इसका पीछे मत जाओ, इसका पीछे मत पड़ो। बोले पीछे मत पड़े महाराज, ना बिल्कुल नहीं, इतना दिन बाद इसका मरने का टाइम हो गया, थोड़ा अकेल हुआ भजन के लिए गए हुए हैं, इसका पीछे मत पड़ो, अभी सही दिन आया, सही 7 दिन का अंदर इसका शरीर शांत होने वाला है, बिल्कुल इसका पीछे मत पड़ो। पहाड़ी चट्टी में गया हिमालय, ऐसा हुआ कि 7 दिन इसका जो है शरीर, हम तो पहले ही बताया, ऐसा करके शांत हो गया। और इसके बाद जो है अर्जुन जी को, अर्जुन जी को हम संक्षेप में कह रहे हैं कि आप सार को ग्रहण करो, हम संक्षेप में कह रहे हैं पूरा क्रीम, जिसको आप पकड़ो, जिसको आप पकड़ कर रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला और कोई समस्या नहीं रहेगा। युधिष्ठिर महाराज ने, कृष्ण तो चला गया द्वारका को चले गए, अब बहुत दिन बाद अर्जुन को भेजा, युधिष्ठिर बोले देखो बहुत दिन से खबर नहीं है कृष्ण का, और जदुवंश का जो खबर है वो लेने के लिए जाओ, तो भैया तुम जाओ, अर्जुन को भेजा है। अर्जुन बहुत दिन गए, बहुत दिन गए हुए हैं और द्वारिका से कोई खबर नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज बड़ा भारी चिंतातुर हो गए, बोले अर्जुन को कई दिन हो गया, कई महीना हो गया, कई महीना बीत गया, अभी तक अर्जुन आया नहीं, क्या बात है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। हाय राम, और जो सिचुएशन है, जो वातावरण है, हमको अनुकूल नहीं दिख रहा है, अनुकूल मतलब जो अपशकुन दिख रहा है, चारों ओर कुत्ता बिल्ली रो रही आ करके, अरे क्या बात है, ऐसा अपशकुन है चारों ओर, ऐसा कैसा है, पहले तो ऐसा नहीं था, और लोगों में झूठा बोलने का आदत आ गया, अरे ऐसा तो नहीं था, मेरा राजत्व में आज तक कोई झूठा ही नहीं बोला, अब ऐसा कैसा हालत हो गया कि आदमी का अंदर में झूठा बोलने का थोड़ा जो अभ्यास है वो आ गया, झूठा बोलना शुरू कर दिया, ऐसा तो लगता है कि वो खराब टाइम आ गया, कुत्ता रो रहा है, कुत्ता बिल्ली ऐसा हालत है, और कोई मेघ नहीं है लेकिन वो वज्रपात हो रहा है, बिजली चमक रहा है, कुछ नहीं है, हमको तो लगता है वो बड़ा खराब दिन आ गया, कुछ ऐसा लगता है कुछ अमंगल हुआ होगा जरूर,
सोचते सोचते युधिष्ठिर महाराज पागल हो गया। इतने में इतना दिनों में 6 महीना कम से कम, उसका बाद देखे अर्जुन आ रहा है। अर्जुन के देखे, अर्जुन को देखे तो एकदम सिंहासन के उछल के पड़ा, भैया क्या हुआ? और भैया देखे रोना शुरू कर दिया भाई। अर्जुन तो रोते हुए आए, रोते हो, रो रहे हो क्यों, क्या हुआ, हुआ क्या वो ये तो बताओ। अर्जुन उत्तर नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका जो कंठ है वो चोक्ट हो गया, बंद हो गया, बोलना चाहता है कि बोल नहीं पाता, सिर्फ रो रहा है, आंखें मूंद कर रो रहे, क्या हुआ बताओ भैया, अब बोल नहीं पाता। बड़ा मुश्किल से बहुत संभाल के रोना थोड़ा बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू करे, बोले राजन वंचित अहम हरिना बंधु रूपिणा, बंधु रूपी हमारे जो दोस्त है सखा है कृष्ण नहीं है। क्या कह रहे हो, कृष्ण नहीं है, कृष्ण चला गया, पूरा जदुवंश पूरा चला गया। कहाँ चला गया, हमको खबर तक नहीं है। बोला हाँ पूरा चला गया, अब हम देखते रह गए, कुछ हमारा करने का कुछ नहीं है। हमारा जो सखा है कृष्ण नित्यो धाम को चले गए, जदुवंशी जो है सारे चले गए, तो एक बचा हुआ है वो भी दूसरा जगह था, जैसे बजरंगबा आदि दूसरा जगह था, उसीलिए मामा दादी माँ का घर नानी हाल वो सब जगह था, उसलिए बच गया, दो एक बचा हुआ है। बाकी जदुवंशी जो है पूरा के पूरा खानदान मिट गया। युधिष्ठिर महाराज रोना शुरू कर दिया, क्या कहते हो, बोले महाराज हमारा हालत बहुत खराब है। बोले कैसा, बोले वही अर्जुन है, हम वही अर्जुन है जिसका नाम सब्यसाची था, दो हाथ एक साथ चले, उसका नाम सब्यसाची, सब्यसाची शब्द है, उसका माने क्या है, जो हाथ दो हाथ सेम एक साथ सम चले उसका नाम होता है सब्यसाची, जिसका दोनों हाथ समान चलता है उसका नाम सब्यसाची। और बोले हमारा नाम तो हम गांडीवधारी, अब हमारा वो शक्ति नहीं रहा, वही अर्जुन हम है लेकिन वो ताकत और नहीं बचा, सारे गया, वो ताकत और नहीं बचा, वही अर्जुन मैं हूं जो अपना पराक्रम के द्वारा इंद्रजी जो है स्वर्ग का राज उसका साथ एक ही सिंहासन में एक साथ बैठा था। कैसा पावर, स्वर्गों का राजा इंद्र है, ये अर्जुन को लेके अपना सिंहासन पे बैठाया एक साथ, यह स्वर्ग का राजा इंद्र है या अर्जुन है, कितना पावर है सोचो, कितना सम्मान है। अर्जुन कह रहे यही हमारा बल था, ठाकुर जी ने सब ले लिया, अहंकार मत करो, ये धन दौलत हमारा नहीं है, संपत्ति हमारा जो विद्वा है ये भी हमारा नहीं है। ठाकुर जी के है ना गीता पाठ करते, तमेव माता चपी तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्वांग द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। आप तो मन के बैठे हो ये मेरा पति देवता है ये मेरा बच्चा है सब, लेकिन ठाकुर जी कहते तमेव माता चपी तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्वांग द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम तम एव एव मतलब एफर्मेटिव स्टैम्प दिया हुआ है, ये नहीं कि हो सकता ऐसा नहीं, तम एव एव मतलब संस्कृत में एकदम प्रेशर दे निश्चयात्मिका एफर्मेटिव तम एव माता, इसका प्रमाण भागवत में भी आएगा, सुंदर सुंदर आएगा, सोभरी सिंह का उधर एक प्रसंग आएगा सुंदर है, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो भगवत चरण में वो सामी सामी नहीं, जो समूह मौत से हमको बचा नहीं सकता है। गुरुर न सस्यात न सज्जनो न सस्यात पिता न सस्यात न सज्जननी न सस्यात है पतिम न सस्यात, ऐसा श्लोक है सुंदर, हम व्याख्या करेंगे बाद में, एक जगह सब होने से तो गड़बड़ हो जाए,
लाइन पे चले गाड़ी तो ठीक है। तो ऐसा है कि अब जो है अर्जुन बताना शुरू कर दिया कि देखो सारे गया, अब वो शक्ति नहीं बचा है हमसे, वही गांडीव है हमारे पास लेकिन ताकत नहीं, ठाकुर जी ले लिया। हमने सोचा कि कुरुक्षेत्र युद्ध में हमें इतना बड़ा लड़ाकू है सब कोई को एकदम, लेकिन लेकिन अर्जुन बोल रहे कि आज हमको पता चला हमारा दोस्त हमारा सखा चला गया, हमको अभी ये रहस्य को पता चला, कुरुक्षेत्र युद्ध में हमारा सखा सामने खड़ा हुआ था घोड़े का लगाम पकड़ के, लेकिन आज तो हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारा सखा ये जो सैन्य जो है जितना सारे सेना वाहिनी है इन पर नजर ऐसा करके घुमाया, कौन कौन है रे, कौन कौन है इधर, जब नजर जो घुमाया नजर का साथ साथ ही उन लोगों का जो आयु जो है हरण करके रख दिया। और हम तो एक इंस्ट्रूमेंट था, एक तो बहाना था, अब हमको लगता है कि ये बहाना है, हमको तो योद्धा का रूप में रथ में बैठा दिया, हम ही लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप पता चला कि कृष्ण भगवान जब हम बोले कोईर मया सहो युद्धव्यम, किन लोगों के साथ युद्ध करना है दिखाओ, हे सखा हे कृष्ण मेरे को दिखाओ, दिखाओ किन किन लोगों के साथ मेरे को युद्ध करना है, बोला था ना, है ना, रथ को ले चलो, सेना सेनायोर सेनायोर उभयोर मध्य रथं स्थापयो, मैं अच्युतो हे अच्युतो, ऑर्डर दे रहा, ऑर्डर, कृष्ण भगवान अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का साक्षात मालिक, उसको अर्जुन ऑर्डर दे रहे सेना और उभय मध्य रथं स्थापयो, मैं अच्युतो हे अच्युतो, दो सेना का बीच में मेरा रथ को ले चलो। अरे बाप रे बाप, साक्षात मालिक है भगवान, भगवान को ऑर्डर दे रहा है दो सेना का बीच में ले चलो मेरा रथ, कोई इर्माया सहो यद्यव्यम, किन लोगों के साथ युद्ध करना हम देख ले, नजर उठाकर हम देख ले। ठाकुर जी बोले चल लीला तो हम रचा रहे, तू क्या युद्ध करे, लेकिन दिखाया अर्जुन ने तो युद्ध किया, हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो रथ में लगाम लगाकर, अरे ठाकुर जी सब किया, सारे कुरुक्षेत्र जो है युद्ध में ठाकुर जी तो सब कुछ किया, खेलने वाला ठाकुर है, लड़ाने वाला ठाकुर है, लड़ने वाला ठाकुर, सब ठाकुरी है, हैं ठाकुरी है, लेकिन ये बहाना बनाया अर्जुन के द्वारा। अर्जुन रो रो के फूट फूट के रोते हैं और बोलते हैं अब हमको पता चला जो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में जब कृष्ण ने कृष्ण को हम बोला बीच में रे चलो हम देखे किसका साथ हमारा किस किस लोगों का, तब अर्जुन ने बोले कि अब हमको पता चला जो हमारा सखा ने ऐसा करके नजर घुमाया, देखो देखो ये लोगों के साथ तुमको युद्ध करना है, तब ये देखने का साथ साथ ही आयु का हरण कर लिया था, हम तो एक बहाना था, हम तो एक बहाना है, हमको बहाना बनाकर ठाकुर जी ने युद्ध किया, अब तो बहाना है कुछ नहीं है, ऐसा किया अर्जुन। अर्जुन बोले देखो अंतिम में जब सारे चले गए ना, सब जदुवंश सब गया और हमारे ऊपर आदेश था जितना सारे पत्नियां हैं कृष्ण जी का सब लेके दूसरे जगह पे रख के आए और हम उसको बचाने के लिए लेके गया, लेकिन बीच में रास्ते में हमारा साथ लड़ाई हुआ नीचा जाति निषाद जंगल का, सब जंगल में रहने वाला है, बोले महाराज वो लोग आया हमको युद्ध में हरा दिया। अरे तुमको हरा दिया, तुम्हारा नाम अर्जुन है, हैं, बोला हाँ हमको हरा दिया, वो लोग जंगल से निकाला और आदिवासी है निषाद जाति है, हमारे साथ लड़ाई किया और युद्ध में हम हार गया। अरे हार गया, बोला हाँ वो निषाद जो है साक्षात कृष्ण ही था, अर्जुन को कौन, अर्जुन को पराजय कर पराजय कर कराने वाला कोई नहीं है, उसी रूप में कराया अर्जुन को बोध कराया, देखो हम चोर के तुम्हारा कुछ नहीं है, हर जिंदगी हर जीवों का जिंदगी में ठाकुर जी छोड़कर कुछ है ही नहीं, और जब ये है ऐसा है करते करते सब वंचितो अहम महाराज हरिना बंधु रूपिणा जेनो में अपहृतम तेजो देवो विस्मापनम महत,
देवता लोगों का भी चौंक चौंक देवता लोगों का भी बड़ा भारी चिंता आ जाता, इतना वीर है अर्जुन, विस्मय आ जाता देवता लोगों में विस्मय आ जाता था, अर्जुन इतना बड़ा वीर है। मतलब इसलिए बोला वंचितो अहम महाराज हरिना बंधु रूपिणा जेनो में अपहृतम तेजो, यही हरि हमारा तेज को पूरा हड़प करके लेके गए। जेनो में अपहृतम तेजो देवो विस्मापनम महत्, देवता लोगों को भी विस्मय देने वाला कराने वाला जो वीरत्व था हमारा, जो इतना पावर था सारे गया। जस्सो जस यहां लिखा हुआ है जस्सो क्षण वियोगेण लोक ही अप्रिय दर्शन उकथेन रहित ही एस मृत को प्रच्छते यथा। भले महाराज पिता माता परियन जो आत्मा चले जाने का बाद कोई किसी को रखता है, आत्मा निकल जाने का बाद कोई किसी को रखता है? बिल्कुल नहीं। उपनिषद में बोला हुआ है ये जो प्रेम संबंध में एक दूसरे का साथ प्यार कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, जान के करो जिंदगी ठीक से चलेगा। पर कैसे? उपनिषद में बताया गया आत्मा बारे द्रष्टव्य सतव्य निदिध शितव्य, आत्मा बारे आत्मा का संबंध में एक दूसरे का प्रीति भाजन हो जाता। तुम एक लड़का का सब प्रीति क्यों, लड़का का अंदर में आत्मा है अर्थात ठाकुर जी है ना, इतना जो प्रीति करते हो एक दूसरे का था प्यार मोहब्बत एक बहुत आलिंगन करते हो किस, व्हाट इज द रीजन? इसका कारण है इसका अंदर में आत्मा है, आत्मा है ना। एक उदाहरण दे दे और समझ के हमको बात बोलना। भले ना महाराज हम नहीं मानते, अरे उपनिषद का बात है मानोगे नहीं, बोले नहीं मानेंगे हम, हमें एडवांस है आओ हमारा पास, कितना बड़ा एडवांस है कितना बड़ा स्मार्ट है, मेरा पास आओ नंगा बना के छोड़ देंगे कितना बड़ा स्मार्ट है तुम। उधर लिखा हुआ है जे आत्मा का संबंध में सब प्रिय है, अगर ना माने तो उदाहरण दे दे। तमाम दुनिया दौड़ रहे है धन संपत्ति अपना कोई तो कारण है, तमाम दुनिया जो दौड़ रहा है उसका पीछे कारण है, कोई तो कारण है, क्या कारण है? रैंक पोजीशन चाहिए हमारा, ये सम्मान चाहिए, धन दौलत चाहिए, है ना, इसीलिए तो दौड़ रहा है। सुबह से शाम तक क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? मतलब माल पानी चाहिए। इसलिए पितामह विश्व अर्थ अर्थ किसी का गुलामी नहीं करता, सारे दुनिया अर्थ का गुलामी करता है, अर्थ का गुलामी सारे दुनिया करता है, अर्थ किसी का गुलामी नहीं करता। तो हम ऐसा करें, आप अगर धन दौलत आप अगर बोलोगे धन दौलत का पीछे हम पड़ा है ठीक है, और धन दौलत मिलने से आप चुप हो जाओगे तो प्रॉमिस करो मेरे को हम करोड़ों करोड़ रुपया का संपत्ति दे देंगे, तो हमको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा उसके बाद आप चुप हो जाओगे, करोगे? पागलपंथी बंद हो जाएगा कि नहीं बताओ? करोड़ों करोड़ संपत्ति आपको दे दे उसका बाद आप आगे बोले अभी तो शांत हो जा, शांत हो गए नहीं हो गए? क्यों हैं? आपको हम करोड़ों करोड़ रुपया का संपत्ति देंगे लेकिन उठा के ऐसा एक आयास लैंड पे ले जाएंगे वहां किसी का साथ आपका मुख दर्शन नहीं होगा। फॉलो मी, जैसे नेपोलियन बिना पार्टी को उठा के लेके गया था अंतिम समय में एक आयास लैंड में, उसको छोड़ दिया जा इधर रहे, किसी का साथ कोई दर्शन नहीं, तब क्या करोगे आप? आपको संपत्ति देने से आप लोगे? उत्तर तो दो, इतना जितना संपत्ति देना है आपको दे देंगे लेकिन आपको उठा के वो आयसलैंड में जाके हम छोड़ देंगे, तो आप रहोगे उधर शांति से? जैसा अर्थे कांखिना राजन सुखो भुखान भुगानी च, अर्जुन बोले जिसका लिए हमारा राज्य का राज्य राजधानी ये जो जायदाद है ये हम क्या करें अगर ये लोग मर जाए तो? बोला ना ये लोग पिता पितामह सारे रिश्तेदार है, ये लोग अगर गुजर गया तो हम राज्य राजधानी क्या करें? जंगल में राजा होगा हैं? हुआ करे
जंगल में राजा बना दे तो क्या होगा, वो जंगल में कौन राजा क्या है। कोई प्राणी का साथ अगर दर्शन ना हो तो करोड़ों रुपया का संपत्ति भी दे तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, आएगा। हम दो उदाहरण दे दे इसको पक्का करे, अकाल से बस जल्दी आगे बढ़े। भले एक उदाहरण दे दे, हम बचपन में सुना था अली बाबा 40 चोर, इसका उदाहरण। वो संपत्ति लेने के लिए डाकुओं को बोका बना के उसका अंदर घुस गया और बूढ़ा सब हीरे चांदी मोती सब ले लिया भर भर के। लेने का बल वाले हम जरेंगे, आप पूरा दुनिया भर का इनकम कर लिया और हम आप जी हमारा जिंदगी में कोई दुख नहीं है। अब दरवाजा जो गुफा का दरवाजा खोलने का जो मंत्र है वो भूल गया, बोल गया आलू फाग चिचिंग फाग ये बोलते रहे, खुल ही नहीं रहा। इतने में डाकू का दल जो है जो जो सेना है आ गया, खटा खटा खट खटा खट करके आ गया। वो तो रोना शुरू किया, हे अल्लाह हमको कुछ नहीं चाहिए, दे दे हमको छुट्टी दे दे। क्यों, तू तो संपत्ति मांगा था, तू तो धन संपत्ति मांगा था, अल्लाह तो दिया। वो धनपत्ति के बाद समझ ले, अब बोला बाद में रो रो के बोला अल्लाह हमको संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों, पहले बोला था ना अल्लाह बिस्मिल्ला रसूलुल्लाह दे दे कुछ हमको भी झोला पे, ऐसा झोला भर दिया तो जा पूरा जिंदगी का इनकम खत्म। अब तो रो रहा है क्यों, छोड़ो हमको ठाकुर जी, ठाकुर जी ना अल्लाह। तो बाद में डाकू सब खुल के दिखरी हमारा ये गुफा में कैसे आया, ऐसा करके तलवार को खोला पूरा गला को काट के फेंक दिया, जा हो गया संपत्ति भोग हो गया ना। और एक उदाहरण दिया, हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। ये हैदराबाद का कहानी है, हैदराबाद। हैदराबाद में एक बूढ़ा और बूढ़ी और जितना सारे लड़की है, लड़का नहीं है, दो लड़की है, उसका अमेरिका में शादी हुआ, वो फॉरेन में रहता है, और बूढ़ा और बूढ़ी कोई नहीं है, इतना जायदाद है, बहुत संपत्ति है, कौन संभाले कौन खाए। बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, तुम हमारा हम तुम्हारा, ऐसा करके बड़ा प्रेम से। अब एक दिन बोले चलो घूम के आए शिमला आदि सब, बोले चलो कोई बात नहीं, पैसा का तो कोई कमी है ही नहीं। और आके क्या किया, एसी का टिकट लगाया, एसी फर्स्ट क्लास, उसमें क्या किया सारे सामान लेके चढ़ने के लिए गया। अब बोले ये पानी का डब्बा लिया ना, भूल गया, बोले नहीं पानी का डब्बा लिया, आचार लिया, और वहाँ आचार तो नहीं मिलेगा, आचार ले लो संग में, बोले ठीक है सब ले लिया, पानी आचार जो कुछ भी है सब ले लिया। वो आचार सब लेके पैकिंग करके पूरा गाड़ी करके जाके वो जो ट्रेन है ट्रेन में बैठ गया, और झोला फोला सब जहाँ रखना है तो सेटिंग कर दिया, जहाँ जो सेटिंग करना है सामान को रख दिया। और अभी एसी एसी कमरा है, और बैठ के अभी सोचा ट्रेन छोड़ने वाला है, ट्रेन छोड़ने वाली है 10 मिनट टाइम है। इतने में क्या हुआ, बूढ़ा का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल। ट्रेन 10 मिनट है, छोड़ने वाला अभी छोड़ेगी, हार्ट फेल, हल्ला मच गया, बूढ़ा मर गया, बूढ़ा मर गया। और रेलवे पुलिस आ गया, रेलवे रेलवे जो डॉक्टर आ गया, बोले ये तो मर गया भाई, और सर्टिफिकेट भी चाहिए, गाड़ी से जितना सारा सामान है आचार है पानी है सब सब उतारा, उतार के लाया। हल्ला मच गया, ट्रेन लेट हो गया आधा घंटा, क्योंकि होना ही है, उसका इंस्पेक्शन होगा ना, रिपोर्ट लिखना है, रेलवे पुलिस आ गया। उसका बाद रिश्तेदारों को फोन किया गया, तब का जमाने तो ये सब नहीं था, हेलो बोलो दूसरा फोन था, लाइन फोन, उसमें फोन लगाया, सब चारों ओर से लोग आदमी आना शुरू कर दिया, दोस्त आदि सब अड़ोस पड़ोस में आके बोले महाराज हाय 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 रे चला गया। अब बूढ़ी के बोले ऐसा करे दादाजी को हम लोग फ्लैट में ले चले, जहाँ कमरा है वो फ्लैट में ले चले, वहाँ पूजा पूजा करे माला फला चढ़ाए, उसका बाद लेके जाए शमशान में लेके जाए। अब बूढ़ी बोल दिया क्या काम का है वो, अब जाम फैलेगा उधर जाके, घर में सीधा शमशान में ले चल। बूढ़ी इतना प्रेम है, तुम हमारा है हम तुम्हारा, भले बूढ़ी को बोला थोड़ा ये लाश को ले चले घर में, नहीं 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 लाए हुआ जाम फैलेगा, और फिर जाम फैलेगा वहां मर ले चल, पूरा डायरेक्ट ले चल शमशान में। बोले देखो क्या प्यार है, तुम्हारा प्यार ऐसा ही है, हम तुम्हारा है हम तुम्हारा है तुम हमारा है, लेकिन कहाँ तक है, जब तक शरीर न छूटे, शरीर छूट जाए अगर बीमारी होए तो देखता नहीं,
जो स्वामी महाराज है इस्कॉन का प्रतिष्ठाता, उसका कहानी हम तो इधर क्लियर नहीं बोलेंगे डायरेक्ट। स्वामी महाराज के ऊपर कितना अत्याचार किया, उसका बीबी सारे लड़का लोग फेंक दिया था, वो सब कहानी हम नहीं बताएंगे, सो दरकार नहीं। और फिर माधव गोस्वामी महाराज का उधर रह के तबीयत ठीक हुआ, फिर प्रचार किया, जो भी है ये सब कहानी है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का, रोना धोना बंद करो। अगर रोना है तो ठाकुर जी का लिए अश्रु वर्षण करो, रो रोना है तो ठाकुर जी का लिए रो। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को बहुत आदमी आके बोलते थे, बाबा जी महाराज आप सिद्ध महात्मा हैं, बोला एक बात बता दो, ठाकुर जी कैसे मिले? आप पूछो, ये महात्मा जो है पहुंचा वो ठाकुर जी का अपना, उसका पास आके बोले बहुत आदमी, महाराज एक बात बता दो, ठाकुर कैसे मिले? बार बार बोलते रहते, वो तो निष्किंचन है, भजन करते सब उदम मचाने के लिए आते हैं, बदमाश भजन तो नहीं करेगा। बोले ऐसा बात बताओ कि भजन कैसे करे, तरीका बता दो। बार बार बोलते बोलते महाराज उत्तर दिया, उत्तर सुने? बोले हाँ उत्तर सुने। बोले ऐसा कर, जैसे बाल बच्चा पोता पोती और धन दौलत के लिए रोता है, ठाकुर जी के लिए रोना, बस हो गया। एक एक वाक्य में उत्तर, ठाकुर जी मिल जाएगा, जा हो गया। कोई शास्त्रों का लंबा चौड़ा व्याख्या का जरूरी है, भागवत प्रवचन एक महीना तक क्या होने वाला। बाबा जी महाराज बोला, देख जैसे धन दौलत के लिए रोता है पोता पोती लड़का सब, जैसे रोते हैं ना दिन रात, ऐसा रो, अरे ठाकुर जी अनायास मिल जाएगा। देखो कितना सीधा उत्तर है, रोना नहीं आता ठाकुर जी के लिए, रोना आता है तो दुनियादारी का चीज के लिए आता है। ऐसा करते करते अर्जुन ने बहुत रोया, जो हमने देखो उठते बैठते सोते खाते दोस्त का साथ अर्थात कृष्ण के साथ कितना समय गुजारा है, कभी खाते समय में मजा किया, सोते समय में, घूमते समय में, सज्जा सनातनो विकत्त भजनादि भजनादि भोजना भोजन सज्जा सनातनो विकत्थनो हैं भोजनादिशु ऐक्यात वयस्सो ऋतवान इति विप्रलब्ध चक्षु सखेव पितृवात तय तनयस्व सर्व सेहे महान मही तया कुमते रघम में। सखा जैसा सखा का सतत, ये तो है परात्पर अखिलेश्वर, लेकिन मेरा साथ जैसा लीला किया दोस्त छोड़ के तो दोस्त ही है। खाते समय, उठते समय, सोने समय, घूमने समय, सज्जा सनाटनो, अटनो मतलब घूमने समय, सज्जा सनो हाँ छज्जा सनाटनो विकत्थनो भोजनादिशु ओकाद वयस्व ओकाद वयस्व, हमारा उम्र करीब करीब था ना, ओकाद वयस्व मतलब हमारा उम्र, अर्जुन का अर्जुन बोलते हमारा उम्र, कृष्ण का उम्र करीब करीब था, दोस्ती बहुत जबरदस्त था, तो इस टाइम में बड़ा भाई कभी हम गाली देते थे, ऐ होगा नहीं फलाना, ऐसा ऐसा होता था, अब हमको रोना आ रहा है, हाय 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 हाय। यही परात्पर अखिलेश्वर भगवान जो कुरुक्षेत्र का प्रांगण पे खड़ा होकर, कुरुक्षेत्र का प्रांगण पे खड़ा होकर जो पूरा गीता का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था ना 700 श्लोक का, गीता का पूरा उपदेश दिया वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर। अब जब दिया था उपदेश, अर्जुन बोले, अर्जुन को पूछे तुम्हारा संदेह गया, तब बोले हाँ गतो संदेह गतो संशय संदेह करिष्य वचनम तब। लेकिन अभी अर्जुन बोले तब तो गीता का उपदेश सुना, हम कृष्ण को बोला था, हम तुम्हारा बात समझ में आया, तब हाँ अभी पता चलता, तब ये बात समझ में नहीं आया था, कृष्ण को बोला था हाँ समझ में आया, आई बात समझ में, बोला हाँ आया, लेकिन हम अभी सोचता है कि अभी हमको लगता है कि हम समझा ही नहीं। पूरा गीता का जो उपदेश है ये कुरुक्षेत्र का प्रांगण पे खड़ा होकर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतना सुंदर उपदेश दिया हमारा दोस्त ने अर्जुन, कृष्ण ने, अब कृष्ण नित्य धाम को चले गए, अब रोते रोते हमारा जिंदगी में वो जो शिक्षा दिया था कुरुक्षेत्र, अब इसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है अभी हमारा अनुभव में आ रहा है, समझा मेरा बात। उपदेश तो तब सुना था, लेकिन उपदेश का जो भाव है, उपदेश का जो निचोड़ है, आज अभी रोते रोते अनुभव में आ रहा है।
गीता का उपदेश तो तब सुना था मैंने, लेकिन अनुभव में नहीं आया था। 700 उपदेश गीता का उपदेश सुना तब, अब कृष्ण चले गए नित्य धाम को, अभी बोल रहा, अभी हमारा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि गीता का उपदेश क्या था। इतना बड़ा उपदेश, इतना बड़ा ज्ञान पूरा ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। एवरग्रीन साइंस नित्य, ये जो फिलोसॉफी है ये कोई फिलोसॉफी नहीं है। तमाम दुनिया का फॉरेनर लोग भी एकदम स्वीकार कर लिया गीता जो है वो नित्य, जितना दिन तक धरती रहे वो एवरग्रीन साइंस, कभी पुराना नहीं होने वाला। गीता को जिंदगी भर पाठ करो, कभी पुराना नहीं होगा। एक बात को पूछे धीरे धीरे, एक किताब में कितना क्वेश्चन है आंसर है। कभी वास्तव संत महात्मा का सामने बैठकर गीता का उपदेश श्रवण कर लो। हमको तो पीछे जाना पड़ता है, वृंदावन में हम ऐसा पाठ नहीं करते। हमको तो आप लोगों को समझाने के लिए आगे भाई जाना पड़ता, वृंदावन में तो एकदम, क्योंकि वो लोगों को जानकारी है, जो सुनने वाला है वो बहुत दिन तक भजन करते करते पूरा एकदम एक रैंक है। तो ऐसा है कि हमारा कितना सारे उटपटांग कृष्ण ने सहन किया आहा। और ये जो है सारे जो ये जो जदुवंशी है सारे चले गए, उसका कारण हम बताएंगे, 11 स्कंद आएगा, इतना सब एक साथ नहीं हो। तो जाने का बाद कुंती देवी ने जब ये सब कहानी, अर्जुन द्वारिका से आए, अर्जुन द्वारिका से आए ना, ये सब कथा बोल रहे हैं ना, इतने में द्रौपदी मैया को कान पे आई, पर्दा का पीछे से, क्योंकि सामने नहीं आता घर का रमणी, पर्दा का पीछे से अर्जुन का जो रोदन है श्रवण आया। अब कृष्ण जगत से चला गया अपना नित्य धाम को, ऐसा कानों में आया, आते ही तुरंत उधर मूर्छित होके पड़ गया और चली गए नित्य धाम। वहां ही मूर्छित होके गिर पड़ी और शरीर को छोड़ दी। और धृतराष्ट्र, ये जो हमारा युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय कर लिया, तो कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं है, कृष्ण नहीं है तो हमारा जिंदगी कुछ नहीं है, हमको क्या होगा, शोभा देगा कुछ, हमारा कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं है, हम चले जाएं। तो सारे चीज छोड़कर, राज पोशाक राजगोदी को छोड़कर, अपना मुकुट पोशाक को फेंक कर, साधारण वेश पकड़ कर भिखारी का माफिक चल पड़े। बोले कृष्ण नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है, कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं है, हम छोड़ देंगे। मुकुट को छोड़ के गए और शास्त्रों में विचार है, ये जो हमारा परीक्षित महाराज है, ये जो पांच पांडवों का पांडु, ये पांच पांडव कौरव वंश का जो खानदान है, ये खानदान में एकमात्र अभी कौन है, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को राजगद्दी पे बैठाकर, परीक्षित महाराज को राजगद्दी पे बैठाकर मुकुट दे दिया अभिषेक करके, वो तुम संभालो अभी बेटा, आप संभालो, हम लोग जा रहे हैं। सारे पांचों पांडव और द्रौपदी जी भी पीछा की, और सारे महाभारत में लिखा है महाप्रस्थान का पथ, इसमें भी गुप्त सिद्धांत है, आप लोगों का दिमाग में नहीं आएगा, आप सोचो कि महाप्रस्थान मतलब स्वर्ग में जाने का। युधिष्ठिर महाराज को भी एक झूठा बोलने के लिए, एक झूठा बोला था ना जिंदगी में, कौन सी झूठा, अशत्थमा हतो इति गजो, झूठा तो नहीं बोला, बोला आस्ते से बोला, झूठा जिंदगी में नहीं बोला युधिष्ठिर महाराज, लेकिन एक बात तो बोला, झूठा का बराबर ही है, आस्ते बोला, अश्वत्थमा गतो हतो इति गजो, इति गोज आस्ते बोला, जैसे समझ में नहीं आया कि अश्वत्थमा का तो सुनते ही और हल्ला मच गया, अश्वत्थमा चला गया, असलियत में अश्वत्थमा तो नहीं गया, हाथी जो एक हाथी का नाम अश्वत्थमा, वो हाथी गुजर गए। इस शास्त्री के लिए ये आपका जो ये है युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा पनिशमेंट मिला पल भर का लिए। अब आप अगर बोलोगे पांच पांडव कहां गया, स्वर्ग में गया, ऐसे जन्म का जो विषय है वो हम व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि कहाँ तक व्याख्या करें, अनंत कथा सागर आता है हृदय में, कहाँ तक व्याख्या करें। ये पांच पांडवों का जो जन्म का आविर्भाव का जो प्रसंग है ये आपको शायद पता है, हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, इसमें
जो युधिष्ठिर महाराज है, वो जो अर्जुन है, भीम है, भीम वायु का अंश में जन्म है, भीम का अर्जुन जो है ये इंद्र का अंश में, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज का अंश में, आपको पता नहीं, अश्विनी कुमार दाय का अंश में, वो जो नकुल सहदेव, ये सारे के सारे उसका अंदर में था। सिद्धांतों का बात ये है, गुप्त सिद्धांत है ये है, ध्यान से सुनना, ये पांच पांडव क्या ठाकुर जी का नित्य पार्षद है? कोई अगर प्रश्न करे पांच पांडव जो है ठाकुर जी का नित्य पार्षद है, हम बोले यस ठाकुर जी का नित्य पार्षद है, तो ये महाप्रसन्न का पथ में गया तो कहां गया? हमने ये उत्तर दे कि पांच पांडव भगवान का नित्य पार्षद है, उसका संबंध क्या आजकल का नहीं है, लेकिन जो पांच पांडव जो है भगवान का नित्य पार्षद है, लेकिन ये पांच पांडवों का अंदर में वो जो देवता लोगों का अंश घुस के रहा, समझा नहीं? धर्मराज तो धर्मराज है, धर्मराज नाम हुआ कि धर्मराज, धर्मराज जो है धर्मराज का अंश इसमें आया, धर्मराज युधिष्ठिर नाम हुआ, लेकिन भगवान का नित्य पार्षद तो ही है, लेकिन उसका शरीर में वो जो जो धर्मराज है जमराज उसका अंश घुसा। ऐसा करके जो देवता का जो हिस्सा है अंश है जो घुस के रहा उसको पार्ट पार्ट करके उसको हिस्सा उसको बांट देने के लिए गए, जैसे धर्मराज का जो पार्ट है जो घुस के रहा ये पार्ट निकल गया और चला गया धर्मराज का अंदर, इंद्र महाराज का, इंद्र महाराज के जो अंश है ये अर्जुन से निकल के उसके समा गया, समझा ना मेरा बात? इसीलिए आपका महाभारत में लिखा हुआ बात है, ये तो झूठा नहीं है, महाप्रस्थानेर पथे महाप्रस्थान लिखा है, लेकिन वास्तव में पांच पांडव इतना भक्ति किया वो क्या स्वर्ग जाने के लिए किया? संभव होता नहीं। आज समय ज्यादा हो चुका, अब तो ज्यादा नहीं बताएंगे। विपदो हो नैव विपदो हो संपदो नैव संपदो, विपदो हो विश्वरणं विष्णु संपदो नारायण श्रुति, विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो, विपदो हो विश्वरणं विष्णु संपदो नारायण श्रुति, वांछा कल्पतरु रोषे कृपासिंधु भवच पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो नमः। काल हर हालत में पहला स्कंद खत्म हम समाप्त करेंगे, क्योंकि यार टाइम नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, समय देना, कीर्तन का टाइम में बिल्कुल कीर्तन करना, समय देना, नहीं तो होगा नहीं, ये तो रह जाएगा ना, हम मर जाएंगे रह जाएगा ना, इसलिए हमारा इच्छा है बामन गोस्वामी महाराज का तीर्थ स्थान है, ये मेरे लिए तीर्थ है, बामन गोस्वामी महाराज भजन किए, यहाँ अगर कुछ चर्चा सही ढंग से हो जाए हो पाए तो ये एक संपत्ति बन के रह जाए, ध्यान देना, टाइम पे आना, सब काम छोड़ के सब आना, नहीं तो ये आखिरी बात है। जय गौर जय गौर जय गौर जय गौर।